मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश की उस धरती और विशेषकर आगरा नखलों में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो मीटिंगें हुई हैं, एक नखलों में ओबीसी को जोड़ने की कोशिश हुई थी 1948 के आसपास, और 1956 में 18 मार्च 1956 में बाबा साहब कई बार आए, लेकिन 18 मार्च 1956 को उनके आखिरी सभा में उन्होंने हमें बहुत बड़ी ताड़ना दी थी कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। हम लगभग 70 साल से, लगभग 64-65 साल से हम बाबा साहब की इस बात को याद करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर किस तरह से संशोधन होना चाहिए था, अन्वेषण होना चाहिए, इन्वेंशन होना चाहिए था, या रिसर्च होना चाहिए था, शोध कार्य होना चाहिए था, कि बाबा साहब 1955 में काका कालिलकर कमीशन को एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं रिजर्वेशन के बारे में उनसे पूछा गया, पिछड़ेपन के बारे में पूछा गया, तो आपका मापदंड क्या होगा, कौन सा समाज तरक्की कर गया, कब तक रिजर्वेशन? और उसके उत्तर में बाबा साहब ने बोला कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, मैं उसे एडवांस समाज मान लूंगा। और लगभग एक साल के बाद, एक साल से करीब 13-14-15 महीने के अंदर के अंतराल से, 16 मार्च को 1956 को वहीं आगरा में हमें ताड़ना देते हुए बोलते हैं कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। एक और बात याद दिलाना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हायर एजुकेशन पर जो फंड लिया था, वो हायर एजुकेशन पर ही उन्होंने खर्च किया, कि लोग हायर एजुकेशन में जाकर पढ़ लिख कर आएंगे, समाज के लिए उपयोगी बनेंगे। आज हमारे बीच में हजारों की तादाद में डॉक्टर्स हैं, उससे दुगनी तिगनी कैपेसिटी में इंजीनियर्स हैं और डिफरेंट फैकल्टी के इंजीनियर्स हैं, और एडवोकेट तो लाखों की संख्या में। इसके अलावा 2 फैकल्टी और डेवलप हुई बड़े पैमाने पर हमारे बीच में, एकेडमिशियन या प्रोफेसर डेवलप हुए, रिसर्च स्कॉलर डेवलप हुए, और इसके साथ ही साथ हजारों की तादाद में जो टॉप ब्यूरोक्रेट कहलाता है, शासन प्रशासन को चलाने वाले आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ऐसे सेंट्रल सर्विस के और स्टेट की टॉप सर्विस के हजारों की तादाद में ये अधिकारी भी, और अब तो बहुत कुछ ये अधिकारी रिटायर भी हो रहे हैं। और 2010 के बाद इनका रिटायर होने का सिलसिला शुरू हुआ। बाबा साहब के प्रयत्नों से जो कुछ लाभ मिला, उससे हम लाभ उठाकर एक हर प्रकार के तरक्की में इन्होंने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की, और अब वो रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन समाज जहाँ था वहाँ नहीं बल्कि पीछे को जा रहा है। और इस समय भयग्रस्त समाज, रोजगार से तो परेशान है, अत्याचार से परेशान है, अन्याय से परेशान है, नौकरी के लिए मोहताज हो रहा है, धंधे में कामयाबी, धंधे भी जो थे वो भी मतलब काफी चौपट हो रहे हैं, और इस बीच में बड़े पैमाने पर समाज के अंदर जो बहुत ही गरीब तबका है और मिडिल क्लास भी है, भयग्रस्त हो गया। और ये भयग्रस्त केवल मिडिल क्लास तक सीमित नहीं है, टॉप जो सुपर क्लास उससे भी रिटायर हुआ है, वो भी भय को समझ रहा है कि हमारे चारों तरफ भय फैला हुआ। ऐसी स्थिति में हम जो एक मीटिंग करते थे 2 घंटे की, हमने उसे 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया, और 5 बातों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने अपेक्षा की कि जो लगभग 100 के आसपास हम, या 70-80 तक हम पहुंच जाते थे, हम हर स्टेट में ये 5 पॉइंट पर
इसमें एक पंजाब का पॉइंट है, दूसरा गुजरात का, तीसरा दिल्ली, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा उत्तर प्रदेश। ये लोग जल्दी से जल्दी इस मिशन को समझकर समझाने वाले बनेंगे और संख्या बल भी बढ़ाएंगे। कम से कम 100 की टारगेट हमने हर पॉइंट को दिया है, हर स्टेट को दिया है, और 100 का टारगेट पाने में कितना समय लगेगा? जितना समय लगेगा उतना ही हमारी तकलीफें और बढ़ती जाएंगी। जितना कम समय लगेगा हम अपनी तकलीफों को दूर करने में सक्षमता महसूस करने लगेंगे। मैं नहीं समझता कि आप लोगों को कुछ यहाँ पर प्रबोधन करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन करती जमात होने की तरफ कदम बढ़ाया, सत्ता जरूर बनी है, सत्ता हमको जरूर कई बार मिली है, लेकिन समाज शासन करती जमात नहीं बनता। समाज जो शासन करती जमात बनना चाहिए वो नहीं बन पा, इसीलिए पॉलिटिकल क्षेत्र में भी लड़खड़ाहट, रिलीजियस क्षेत्र में भी लड़खड़ाहट है, वहां पे भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी की चिंगारी नजर नहीं आती है। और बार बार असफलता होने से एक विचारधारा पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या अंबेडकरवाद कामयाब होने वाली विचारधारा है, क्योंकि इसके साथ बिकने बिकाने की होड़ वाले भी नेतागण पैदा हुए, टूटन फूटन में बिखराव के शिकार होते हुए भी हमने लोगों को देखा है, बनती ही बात को बहुत तेजी से बिगड़ते हुए बात को देखा है। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आज बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स इमर्ज हुए हैं, इंजीनियर्स इमर्ज हुए हैं, बहुत वेल क्वालिफाइड वेल्स पोस्ट को होल्ड करने वाले बड़े पैमाने पर बैरिस्टर लोग भी, एडवोकेट लोग भी हुए, अब तो शायद कुछ जज के रूप में भी रिटायर होने जा रहे होंगे। इसके साथ साथ आज जो मैं अभी परिचय मिला उसमें बहुत सारे प्रोफेसर फील्ड में भी डेवलप हुए, रिसर्च स्कॉलर बन रहे हैं, और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ही IAS, IPS, IFS, IRS, अदर एलाइड सर्विस के सुपर क्लास वन ऑफिसर रिटायरमेंट सर्विस में है। और उसका एक और बड़ी बात कि बड़े पैमाने पर ये लोग रिटायर भी हो रहे हैं, रिटायर। और इन आज़ादी संविधान के लागू होने के लगभग 17 साल के बाद भी समाज की स्थिति में जो बदलाव आना चाहिए, जिस गति से बदलाव आना चाहिए था, हम उसके लिए कहीं तो भी कम पड़े हैं और कम पड़ भी रहे। साहब ने इस मूवमेंट को, महानायक कांशीराम जी ने इस मूवमेंट को बहुत ही अलग अनूठे ढंग से संभाला। और जिस समय कांशीराम जी इमर्ज हुए उस समय हमारे समाज में क्लास 3 क्लास 4 के कर्मचारी ज्यादा थे, क्लास 2 क्लास 1 भी मिलने में मुश्किल। ये तो IAS IPS का सिलसिला 80 के बाद शुरू हुआ, 70 तक तो लगभग रिजर्वेशन ना के बराबर लागू किया गया, 1970 तक रिजर्वेशन ढंग से लागू नहीं किया, 70 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ कि आज वो लोग उसके आधार पर लोग रिटायरमेंट के आधार पर रिटायर होंगे। लेकिन मूवमेंट में इस समुदाय की जो भागीदारी होना चाहिए थी, जवाबदारी, भागीदारी के साथ साथ मैं बोलूंगा वर्ड जवाबदारी होना चाहिए थी, हम सारे लोग मिलकर इस जवाबदारी को निभाने में, अपने कर्तव्य को निभाने में कहीं तो भी कम हो। और इस आधार पर पॉलिटिकल क्षेत्र में बहुत बड़ी लड़खड़ाहट पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी लड़खड़ाहट है, और अंबेडकरवाद के नाम से लड़ने वाले लोगों के सामने बार बार परास्त होते हुए देखते हुए ये प्रश्न बार बार फिर पैदा होने लगा, क्या ये विचारधारा कामयाब होने वाली है?
मैं बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या ये विचारधारा कामयाब होने वाली कंशीराम जी के समय में, जिन्हें हम महानायक कंशीराम जी बोलते, फुले साहू अम्बेडकर इस विचारधारा को उत्तर प्रदेश में प्रयोग के तौर पर इम्प्लीमेंट करके बहुत बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त किए। उन्होंने अपने हयात में 4 बार मुख्यमंत्री एक महिला को बना के दिखाया, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये इतना उत्साह है कि हम बहुत जल्दी राज सत्ता पर भी कब्जा कर लेंगे, यहाँ तक आत्मविश्वास होने लगा। लेकिन आज हम जिसके बल पर सत्ता प्राप्त करने की बात, क्या राजनीतिक जड़, जब पेड़ होता ना उसकी जड़ें जमीन में रहती हैं, उसके आधार पर ही तना बढ़ता है, फल फूल लगते हैं। पर अगर जड़ें कमजोर हो जाएं तो पूरे पेड़ पर इफेक्ट होता है, उसकी पत्तियां भी कुमलाई सी रहती हैं, फल भी सही ढंग से नहीं लगते, लगते नहीं लगते। अगर जड़ें ही कमजोर होंगी तो बात आगे नहीं बढ़ती। और कंशीराम जी हमको बार बार बीच में बोलते हैं, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें नहीं होती, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, उसकी उसका भविष्य ही कामयाब होता हुआ नजर आता है, कामयाब नहीं हो सकता यहाँ तक। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए, मेरे परिचय के बारे में, मैं आपके ही उत्तर प्रदेश से हूँ, झांसी उत्तर प्रदेश में मैं पैदा हुआ और ग्रेजुएशन के बाद लॉ कर रहा था कि मैं अपॉइंटमेंट हो गया, ऑडिट डिपार्टमेंट में मेरे को नौकरी लगी और चंडीगढ़ में मैं लगभग 6.5 वर्ष चंडीगढ़ में रहा। वहीं महानायक कंशीराम जी से मुलाकात, ये अगस्त 77 की बात, करीब 20-21 तारीख की बात हो। तजिंदर सिंह झल्ली जी साहब को, वो HMT में काम करते थे, मैनेजर थे, तो उनको पता लग गया कि PR अम्बेडकर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर नॉन सुरुकाल वेलफेयर एसोसिएशन जो RSS के सुखदेव खन्ना एडवोकेट के नेतृत्व में मूवमेंट चला रहे थे एंटी रिजर्वेशन, जिसको उन्होंने उनका नाम ही रखा था एंटी शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन या नॉन शेड्यूल कास्ट वेलफेयर, एंटी नॉन शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन। अभी देखिए, केवल शेड्यूल कास्ट को टारगेट कर रहे, क्योंकि पंजाब बेल्ट ट्राइबल बेल्ट नहीं है, शेड्यूल कास्ट का थिकेस्ट बेल्ट है, और उसी को ह्यूमिलेट करने के लिए नॉन शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई। और बनाई कैसे थी, कांग्रेस के अध्यक्ष थे निरंजन सिंह तावल ताले, पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष थे, और उनकी अध्यक्षता में RSS के सुखदेव खन्ना को नॉन शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता और मूवमेंट चलता। मूवमेंट का नेतृत्व RSS का आदमी करता है, लेकिन डिसीजन कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में होता है। ये बहुत बड़े द्वंद की बात थी। वहाँ हम ये रिजर्वेशन के बुज जो फोर्सेस थी, हम अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, वो हम कहते रिजर्वेशन खत्म करो, आज करो, अभी करो, रिजर्वेशन खत्म करो। और हम बोलते थे कि रिजर्वेशन पूरा करो, जातिवाद खत्म करो, रिजर्वेशन पूरा करो, जातिवाद खत्म करो। इस बात को पंजाब हरियाणा के दोनों सेक्रेटरी एक ही बिल्डिंग के अंदर है, आधे में पंजाब आधे में हरियाणा, और बीच में गैलरी रहती थी, पोर्स था। वहाँ हम बीच में पुलिस वाले थे, एक तरफ रिजर्वेशन का विरोध करने वाले, एक रिजर्वेशन को पूरा करने का नारा देने वाले, इस प्रकार के दोनों नारे लगते थे। और दोपहर के समय में 1.5 से 2 घंटे के बीच में 10 से 15 मिनट नारेबाजी होती थी और हम फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। इस तरह से मूवमेंट हो रहा था। साहब को मालूम पड़ गया अगर ये थोड़ा सा भी कुछ होगा तो हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और वो उस ग्रेविटी को समझकर तेजेंद्र सिंह झल्ली के साथ साहब मेरे पास पहुंचे। करीब 8:30 के लगभग का समय होगा, मैंने वहाँ कितने बजे चले होंगे, और 8:30 बजे मेरे पास पहुंचे। मेरे पास उस समय एक छोटा सा स्टूल था और लोहे की चेयर थी, ऑफर किया, बैठे, आइए सर। ये तेजेंद्र सिंह झल्ली ने बोला, साहब ये दिल्ली के नेशनल लीडर हैं अपने समाज के, आपसे बात करने के लिए आए, अच्छी बात, बैठिएगा।
क्योंकि तो उस समय जो हमने लड़ने के लिए फ्रंट बनाया था, ऑल इंडिया सुल का सुल ट्राइब्स ओबीसी कर्मचारी एम्प्लाइज फेडरेशन, इस तरह से हमने नाम दिया, और मैं उसका कैशियर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, पंजाब का सेक्रेटरी था और हरियाणा का अध्यक्ष था। इस तरह से हमारी कमेटी बनी हुई थी, और मेरे हाइट छोटी होने की वजह से पंजाब के लोग मेरे को कंधे पर बैठाते थे, मेरी आवाज़ बुलंद थी तो मैं नारे लगाता। उन्होंने मेरे को समझाया कि अम्बेडकर साहब, इनके रिजर्वेशन खत्म करो कहने से रिजर्वेशन खत्म होने वाला नहीं है। संविधान के अंदर इस प्रकार का जब तक बदल नहीं होता कोई रिजर्वेशन को खत्म नहीं करता है, लेकिन ये जो काम मूवमेंट चला रहे हैं हमारे सुल का सुल ट्राइब के अंदर, जो हमने थोड़ा सा बेनिफिट लेकर हम सर्विसेज में आए हैं, ये हमारे अंदर एक इम्पेशेंस टू गवर्न, हम शासनकर्ती जमात होने के लिए अधैर हो रहे हैं, इस प्रकार की फीलिंग हमारे समाज में पैदा हो रही है, उसका खच्चीकरण करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, कि हमारे अंदर रूलिंग इंस्टिंक्ट ना पैदा हो, इसके लिए ये मूवमेंट है। इसलिए आप इनके खिलाफ लड़ने की जगह समाज को तैयार करने की कोशिश कीजिए समाज के लिए। और उन्होंने उसी समय मेरे को बताया कि इस समाज व्यवस्था का, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सीपीएम के बहुत नजदीक पहुंच गया, जो आपने देखा होगा, जो उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, वो हमारे ट्रेनिंग कैंप लेते थे, मेरे नाम के साथ अम्बेडकर लगा हुआ था। मैं बहुत पढ़ रहा, क्योंकि ना तो मेरे को पूरा मार्क्सवाद भी समझ रहा था और बाबा साहब को समझने में हम कहीं ना कहीं कम पड़े। साहब ने मेरे को वो कलेक्टर करेक्टर क्लास करेक्टर ऑफ द सोसाइटी, कि वो कम्युनिस्ट का इम्पीरियलिज्म कैपिटलिज्म एंड फ्यूडलिज्म, इसकी जगह उन्होंने मेरे को जो क्लास करेक्टर समझा के दिया, विद इन 10 मिनट्स आई कन्विंस कि नहीं साहब, मार्क्सवाद नहीं अम्बेडकरवाद ही, इस विचारधारा को ही कामयाबी भारत में शक है, पॉसिबल। उन्होंने जो करेक्टर बताया, 3 फोर्सेस, ब्राह्मणिज्म कैपिटलिज्म एंड फ्यूडल, और इस विचारधारा पर ही पूरे देश के अंदर वो मूवमेंट को चला। मैंने कहा साहब, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, आप मेरी बात अगर मेरे सभी साथियों को आप समझा दोगे तो ज्यादा अच्छा। उनके अम्बेडकर साहब, बुला लीजिए साथियों को, हमारे पास केवल मैं शनिवार को आ जाता हूँ, आप बुला लीजिए, ये गुरुवार की बात है। मैं लोगों से संपर्क किया तो गुरुवार का दिन केवल संपर्क में निकल गया, डिसीजन लिया कि नहीं हमको बुला लेना चाहिए, तो फ्राइडे का दिन हमको मिला और सैटरडे का, सैटरडे हाफ डे हुआ करता था उस समय, तो वहाँ लगभग 20 सेक्टर में 21 सेक्टर में गुरु रविदास गुरुद्वारा है, वहाँ पर लगभग हमारे 24 घंटे के लिए, या हम 30 घंटे समझिए, इतने पीरियड घंटे के प्रयास में लगभग 500 कर्मचारी हम लोग उस बिहार ये गुरुद्वारा में इकट्ठे किए, और कांशीराम जी ने बिना माइक के ही वहां पर एड्रेस किया और बात को समझाया। ये घटनाक्रम एक कब की है, 70 अगस्त 77, यानी बर्थ ऑफ बामसेप से पहले, 6 दिसंबर 1917 को बर्थ होता है। मैं कुछ 4-5 महीने के बाद मेरा ट्रांसफर मध्य प्रदेश हो जाता है, तब तक साहब बर्थ ऑफ बामसेप के साथ अंबेडकर मेला और भील शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में अंबेडकर मेला और भील ग्वालियर में मैं लगवाता हूं, और इसके बाद मैं महाराष्ट्र चला आता हूं। 1980 से लेकर 2020 तक लगभग 40 साल मुझे महाराष्ट्र में, 21 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश, 6.5 साल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, 2 साल मध्य प्रदेश, और 40 साल महाराष्ट्र। अब मैं कहाँ का हूँ ये आप लोग डिसाइड करते रहिए, पर मैं फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन, ये मेरी आइडेंटिटी। मैं किसी प्रदेश विशेष से या भाषा विशेष के साथ जुड़कर, या आप ये भी कहेंगे कि एक जाति विशेष के साथ भी जुड़कर नहीं रह, जिस प्रकार से कांशीराम जी ने जन्म जरूर रमदेसिया कम्युनिटी में लिया था,
लेकिन उनकी आइडेंटिटी बहुजन आइडेंटिटी हो गई। सभी 85% को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1998 में से पहले जो बहुत सारे लोग नए साथी होंगे वो नहीं जानते होंगे, उन्होंने जिन्हें मालूम नहीं है इसलिए उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि 1995 में साहब ने बाम सेफ को बंद कर दिया, क्योंकि 85 में बड़े पैमाने पर जो साहब के विश्वसनीय थे, जिनके आधार पर साहब ने पूरी बाम सेफ को खड़ा किया था, पूरे मूवमेंट को खड़ा किया था, वो टूट गए थे, उनको तोड़ दिया गया था। और बाप साहब ने उसी 86 में 4 अक्टूबर की बात है, नागपुर की मीटिंग में उन्होंने लिए कि मेरे पीठ में छुरा फोंका, जिन पर मैंने विश्वास किया उन्होंने ही मेरे पीठ में छुरा फोंका। 10 साल तक साहब बिना सहकारियों के नॉन पॉलिटिकल का काम भी करते रहे, पॉलिटिक्स का भी काम करते रहे, और भी तमाम मूवमेंटों को जैसे बुद्धिस्ट सेंटर डीएसपोर वगैरह का भी काम किया। लेकिन बामसेप के द्वारा उन्हें बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई, क्योंकि बामसेप रजिस्टर हो गई थी, नाम का उपयोग करना भी डिफिकल्ट हो गया था, उन्होंने अपने आप को शैडो कर लिया था। बाद में ये भी हमको बोला कि अब मैंने इसे बंद कर दिया। हम लोग परेशान थे, महाराष्ट्र के साथियों ने आपसे रिक्वेस्ट की, तो उसी 95 में बहुत अजीब सी बात है कि 95 में महाराष्ट्र में इलेक्शन भी हुआ था और उसमें बीएसपी को 1% से भी कम वोट थे। ये साहब को बहुत बुरी तरह से महाराष्ट्र में हार होने पर, जबकि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में अलग आलम था, पर महाराष्ट्र में 1%। इन हारे हुए लोगों को, हारे हुए मूवमेंट के लोगों का लीडर महानायक कांशीराम जी उनको गाइड करने के लिए, तो लोगों के सामने ये थी कि साहब हमको आज क्या गाइड, हम बुरी तरह से हारे हैं, आज हमको क्या गाइड करेंगे। वो गाइडेंस के लिए लगभग 1,500 के लोग, वो जयंत मल्होत्रा की फैक्ट्री थी, साहब ने उसको साहब तुम अपनी फैक्ट्री खोल दे, हमारे लोग उसमें बैठ जाएंगे, और हम लोग महालक्ष्मी की फैक्ट्री में वहाँ पर बैठे। साहब ने 2-2.5 घंटे हमको पूरा इंडिया घुमाया, और बाबा साहब की अंतिम स्पीच का अंतिम पैरा को कोट किया, और वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आए हुए थे, महाराष्ट्र के विद्वान लोग थे, और कहा कि भाई बाबा साहब का ये अंतिम लेट अस रिजॉल्व क्या मतलब था, मेरे को कोई समझा के बताए, मेरे को कोई समझा, मतलब वो हार के कारणों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब की बात को बताना चाहते थे कि संविधान के अंतिम, संविधान सभा के अंतिम भाषण का अंतिम पैराग्राफ क्यों ऐसा बोला, और उसको कोई मेरे को समझा सकेगा। उन्होंने 1 नहीं 3 बार रिपीट किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे एक्सप्लेन करे, जबकि अपने आप को 50 पुस्तकें लिखने वाले बड़े बड़े लेक्चरर थे, सुपीरियर ऑफिसर्स थे, एडवोकेट्स थे, प्रोफेसर्स थे, प्रिंसिपल थे, अधिकारी थे, पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, डिफरेंट कम्युनिटी के थे, नहीं बोल पाए, किसी ने हिम्मत नहीं की कि मुझे कोई इसका अर्थ तो समझा दे। तब साहब को उस समय एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो सिद्धांत नहीं था, आदेश था, डायरेक्शन था कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना। ये सेंटेंस वहां पर, और इधर बम से बंद कर दी गई। हम लोग तड़प रहे थे कि हम तो कुछ काम करना चाहते, जो उन्होंने साहब को धोखा दिया वो धोखे देने वाले अलग हैं, फिर भी महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा तबका साहब को चाहता है, साहब को साथ देना चाहता है। 2 साल के कंटिन्यूस प्रयास के बाद
हम लोग बार बार मिले कि भाई साहब के पास कैसे जाए। उन्होंने कहा एक या दो या डेलीगेशन से काम नहीं चलेगा, हम सारे लोग मिलकर ही साहब पे जाएंगे, 25, 50, 100, 200 जितने भी होंगे सब साहब के पास। लगभग 70 लोग पूरे महाराष्ट्र से 20 मई 1998 को इकट्ठे हुए, क्योंकि उस समय साहब 19-20 के लिए पुणे आए हुए थे। हमको मालूम पड़ा, मैं पुणे में पहुंच गया था ट्रांसफर होकर, तो सब लोग मेरे घर के आसपास इकट्ठे हो गए। मेरे फ्लैट बन रहा था, कंस्ट्रक्शन था, बाद में मेरे को धोखा मिला उससे, उसी फ्लैट में मैंने सब लोगों को इकट्ठा रोक दिया। और उन्होंने बोला कि हमें सबको साहब के पास जाना होगा और साहब से बात करना होगी कि भाई ठीक है, आपको जिसने धोखा दिया वो धोखा दिया है, पर हम तो आपको साथ देना चाहते हैं, हमें काम करने के लिए अलाउ कीजिए, हमें से किसी के सर पे हाथ रख दीजिए, हम उसके नेतृत्व में काम करें, जो आप चाहोगे हम उसको काम करें। लोगों ने देखा नहीं यार, हमको साहब के पास स्पेसिफिक होके जाना चाहिए, तो सारे लोगों ने मेरे नाम के ऊपर सजेशन, और एक नागपुर से, एक मराठवाड़ा से, एक नासिक से, ऐसे 3 आदमियों को सिलेक्ट किया। उसमें आज 2 लोग हमारे मूवमेंट में आज भी हैं कि आप लोग पीआर अंबेडकर का नाम प्रपोज करो कि साहब या तो आप हमें अपनी ओर से कोई नाम दे दिया, या हम आपको पीआर अंबेडकर का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, हम इसकी देखरेख में काम करने को तैयार है, आप इन्हें अलाउ कर दीजिए, या आप अपना कोई नाम दीजिए, हम उसके अंदर काम करने को तैयार है, फ्री हैंड दिया। साहब ने लगभग 3 घंटे 20 मई को हमें पूरे इंडिया की सफर कराई, वो जैसा उनका समझाने का तरीका था। और उसके बाद वो बोले हाँ, ये परशुराम अंबेडकर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनकी शब्द बोल रहा हूँ, इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, रिपीट किया, ये इधर उधर मुड़कर देखेगा नहीं, आप इसकी देखरेख में काम कर सकते हो। लोगों के चेहरे पर खुल गए, लेकिन मेरी शर्त है, मैं 26 जुलाई को कोल्हापुर साहू महाराज के जयंती के सिलसिले में पहुंच रहा हूँ, वहाँ कार्यक्रम है मेरा, तो 25 जुलाई को मैं आपको 2 घंटे दे सकता हूँ, आप कर्मचारियों की कन्वेंशन बुला लीजिए और उसका नाम होगा पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन, उसका नाम होगा पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन, और इस कन्वेंशन में आप लोगों को मुझे एक कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए दोगे। उस समय 5 लाख के अंदर कार आ जाती, 5 लाख आप लोग मेरे को सेलिब्रेट करोगे। हम सारे लोगों ने सहमति व्यक्त की, साहब हम आपके परीक्षा में पूरी तरह से कुशल होकर सफल होने की कोशिश करेंगे, कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और उन्हें बाद में एक ताड़ना भी दी कि आपको पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन इस नाम से ही आपको कार्यक्रम करना। उस कन्वेंशन में 25 जुलाई 1998 को वो कन्वेंशन हुई, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉल, जहां से बर्थ ऑफ बॉम्बशेफ भी बनी थी, उसी हॉल से, वहीं से उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन को एड्रेस किया। हमने लगभग 4.5 लाख रुपए हमारे 20 मई से 25 जुलाई तक, मतलब लगभग 2 महीने के आसपास हो जाते हैं, हमने लगभग 4.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए विदाउट रिसीट, केवल कॉन्फिडेंस के ऊपर, म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, और एक एक पैसे का हिसाब आया, और उसमें से उसी समय खर्च करने के बाद कितना पैसा बच रहा है, 1,40,000 साहब को थैली भेट। और साहब हम इतना बचा पाए हैं, लगभग 5 लाख के लगभग तो हमारा इकट्ठा हो रहा था, लेकिन आज इस कन्वेंशन को खर्च करके हम 1,40,000 आपको दे रहे हैं। तब साहब ने हमें वहां पर जो एड्रेस किया है कि भाई पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन मैंने इसलिए दिया है कि आगे वाले समय में अब पे बैक टू सोसाइटी कन्वेंशन की जगह आप कन्वेंशन वर्ड की जगह प्रोग्राम यूज करोगे, तो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम आपको इस नाम से ही काम करना होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के लोग, तुम लोग बहुत बदमाश हो,
फिर कहीं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रजिस्ट्रेशन कर लोगे, पर प्रोग्राम रजिस्टर नहीं होता है, इसलिए आप इसे फिर रजिस्टर नहीं कर। आपको बिना रजिस्टर ही काम करने की आदत डालना पड़ेगी, जो बांसे का स्वप्न था। सारे साथियों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, किसी को बुरा नहीं बल्कि अच्छा लगा। और उन्होंने दो प्रश्न हमारे सामने रखे, वो आप लोगों के लिए भी वैलिड है। जो महाराष्ट्र में साहब ने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम शुरू करते समय हमारे सामने दो प्रॉब्लम रखी कि महाराष्ट्र से मुझे दो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। पहला, फंडिंग ऑफ द मिशनरी मूवमेंट, फंडिंग ऑफ द मिशनरी मूवमेंट, और दूसरा, डायनेमिज्म ऑफ अम्बेडकर, अम्बेडकरवाद की गतिशीलता। देखिए, सादा प्रश्न है तो फंडिंग के बारे में तो आप लोग भी चिंतन मनन कर सकते हो, आप लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे के आगे बढ़ सकते हो। और लेकिन डायनेमिज्म ऑफ द अम्बेडकर, क्योंकि हम जैसे महापुरुष जितना सोचता है, जितना उसने कागज पर लिख दिया, हम उसको पत्थर के लकीर मानकर उसके साथ रिजिड हो जाते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं, यथास्थितिवादी हो जाते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि बाबा साहब ने इस सेंटेंस लिखा तो वो क्या सोचकर लिख रहे थे। तो वो सोच को हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उनके सोचने के माइंडसेट को जानने की कोशिश नहीं करते। जिस प्रकार से हम इस माइंडसेट को जानने की कोशिश नहीं करते कि समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझ, एक कितना बड़ा साहब का माइंड क्यों सोचा, उन्होंने ऐसा बोला, वो माइंडसेट क्या था उनका, वो क्यों इस प्रकार से सोचने के बाद हुए और हमको उस तरह से बोले। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में या दूसरे ग्रंथों में क्या किस प्रकार की बातें लिखी, वो सेंटेंस लिखने से पहले उन्होंने कुछ सोचा होगा तभी एक सेंटेंस निकलता है। उनके माइंडसेट को पढ़ना हम नहीं सीखते, इसलिए हमने 2003 में साहब 2098 से 2003 तक हमने काफी काम किया। और आप ताजुब करोगे कि 2004 में पहली बार बीएसपी रिकॉग्नाइज पार्टी महाराष्ट्र में, मोर देन 4% वोट उसको पड़े थे और वो बहुत बड़ी ताकत के रूप में इमर्ज हुआ। बिहाइंड द कर्टन क्या था, नॉन पॉलिटिकल बींग पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, जो हमको पॉलिटिक्स में कौन अध्यक्ष बन रहा, कौन सेक्रेटरी बन रहा, कौन क्या, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम जड़ें मजबूत करने में सक्षम हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, ये देखना हमारा। लेकिन 2004 के बाद बढ़ने के बाद 2014 के बाद तो बहुत तेजी से गिरावट शुरू, 19 भी निकल गया, और बहुजन मनुवादी शक्तियां कई गुना अपनी डिफेंसिव स्थिति से रिकवर हो गई और एग्रेसिव स्थिति में और डोमिनेंट स्थिति में आ गई। जहां बाबा साहब ने उन्हें डिफेंसिव स्थिति में ढकेल दिया था संविधान बनाकर, और अपने मूवमेंट से उन लोगों को काफी डिफेंस में डाल दिया था और उनको भयभीत भी कर डाला था कुछ हद तक। और आपको ताजुब होगा कि 1955 से लेकर 1965 में महाराष्ट्र में ब्राह्मण समाज के जितने रिसर्च सेंटर बने, 100 से ज्यादा रिसर्च सेंटर उनके महाराष्ट्र में, कि हम अपनी पोजीशन को कैसे रिकवर कर सकते। और ये रिसर्च सेंटर पर इतने रिकॉग्नाइज थे कि इन, और ये रिसर्च क्या करते थे, एक पन्ने पर, एक कागज के पन्ने पर रिसर्च लेकर जाते थे और कल्चरल डिपार्टमेंट से 200-300 करोड़ रुपए का ग्रांट लेकर एंजॉय कर रहे थे। मतलब फाइनेंस पूरा परकुलेट कर ले जा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, और रिसर्च अपने स्थिति को रिकवर करने के लिए कर रहे थे कि किस तरह से इस अम्बेडकर बात के चैलेंज से मुकाबला करके फिर से ब्राह्मणवाद को डोमिनेट। देखिए 1955 से 65 के बीच महानायक कांशीराम जी इस क्षितिज को पढ़ते हैं और बामसेत का कॉन्सेप्ट आता है। तो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम 2003 पर बंद कर दिया गया, हमने मान लिया गया, क्योंकि क्राइसिस के समय में जब किसी महापुरुष के बाद लीडरशिप ट्रांसफर होती है
तो अनुयायियों ने उसे फुल फ्लज, फुल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस और फुल ट्रस्ट के साथ काम करना चाहिए कि भाई आप फ्री हैंड होकर मूवमेंट को बनाए, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें होती हैं, मनुवादी शक्तियों का सामना करना पड़ता है, हमें अपने लोगों से भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारी सिचुएशन होती है, सोशल होती है, फैमिली सिचुएशन होती है, उसमें यहाँ तक कि साहब के नाम पर, बीमारी पर, उनका सब लेने तक के लिए कोर्ट केस में झगड़ा होता है। ऐसी स्थिति में बहन जी को फुल फ्लज इंडिपेंडेंट फ्रीडम देना चाहिए, हमने दी, उसने किया, क्योंकि हम जानते थे कि अगर नॉन पॉलिटिकल बींग अगर डिस्टर्ब कर दी जाती है तो मूवमेंट कैसे चलेगा, लेकिन लीडरशिप को सोचने का मौका देना चाहिए, हमने दिया और हमने पूरी तरह से बात मान ली कि ठीक है बहन जी आप जो काम कर रही कर। लेकिन तमाम लोगों ने मेरे से नाराजी बोली कि अम्बेडकर साहब आपने गलत किया, आपने बात मान ली थी, आपको नॉन पॉलिटिकल बींग बंद नहीं करना। मैंने कि नहीं, गलत नहीं है पी आर अम्बेडकर, हमें लीडरशिप पर भरोसा करना चाहिए, उसको ट्रस्ट करना चाहिए, बात को उन्हें फुल फ्रीडम के साथ, क्योंकि वो लीडर भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल भी है, इस देश को साहब के बाद दिशा निर्देशन दिशा देने वाली, इसे फुल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। उनका है कि वो लोगों से किस प्रकार से काम लें, किसको किस प्रकार की जवाबदारी समझें। हमें कहा गया था कि हम आपको काम देंगे, लेकिन हम आज की डेट में भी काम की अपेक्षा करते हुए आज का भी दिन गुजर जा रहा है। हम उधर ना सोचकर कि मूवमेंट नीचे लटखाट हो रहा है, हम किसको दोष, हमारे भी तो बाबा साहब ने तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इस पर हमको कहा था, हम भी पढ़े लिखे, तो हम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने भी गिरेवार में जानना चाहिए कि अगर हम किसी और को नालायक बोलते हैं तो क्या हम भी लायक हैं क्या, हमें पहले अपनी नालायकी को कम करना चाहिए। इसलिए लगभग 2015 से पूरे देश में चिंतन शुरू हुआ कि अगर भाई नॉन पॉलिटिकल फोर्स इस देश में, अम्बेडकराइट पॉलिटिकल फोर्स इकट्ठी नहीं हो सकती, इकट्ठी नहीं की जा सकती, इकट्ठी नहीं हो सकती, या एक आ जाए इकट्ठी नहीं की जा सकती है, इकट्ठी करने में असमर्थता अगर हो रही है तो क्या नॉन पॉलिटिकल फोर्सेज इकट्ठी हो सकती हैं, नॉन पॉलिटिकल अम्बेडकराइट फोर्सेज इकट्ठी हो सकती हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बेंगलोर, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, आगरा में, मई 2017 में आगरा में भी आपके साथ बैठे हुए साथ सहयोगी नारसिंह जी ने भी एक इसी प्रकार की मीटिंग लगाई, लगभग 20 नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल हुए। लेकिन इकट्ठे होने के लिए ऐसा कोई मन नहीं बना पा रहा था, ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ पा रहा था कि इकट्ठे हो। तब हमने एक बात को निर्णय किया कि भाई हम कहीं तो कम पड़े हैं, मैं शॉर्ट पीरियड को लेना चाहूंगा, हम किसी कहीं तो भी कम पड़े हैं, ये हमने अपने आप से पूछा और अपने आप से डिसाइड किया कि हाँ हम कहीं तो भी कम पड़े। कहाँ कम पड़े हैं? रास्ता ढूंढने में कम पड़े। रास्ता ढूंढने में कम कौन पड़ता है? जो विचार करने में कम पड़ता है। तो ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए? विचार करने की कमतरता दूर करो, इसका संशोधन किया, इसका भी रास्ता साहब के हाथ में मिल चुका था कि बहुजन समाज बनाने से पहले अब हमें सोच विचार करने वाला समाज बनाना। लेकिन इससे भी और बड़ी बात हमको मालूम पड़ी कि हम कास्ट को हैंडलिंग करने में कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब कास्ट को समझने में कम पड़ रहे हैं, इसलिए हम हैंडलिंग करने में कम पड़ रहे हैं। जिस मैकेनिज्म को हम अच्छी तरह से जानेंगे नहीं उसे हम हैंडलिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ध्यान इस कास्ट नाम के शत्रु पर गया कि इसे जब तक हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे नहीं इसे हैंडलिंग नहीं कर सकते, और हमने कास्ट को समझने की, नए ढंग से समझने की कोशिश की। साहब के समय में तो समझा था और लेकिन फिर हमने और नए ढंगे, ये 21वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर इंटरनेट आ गया, कम्युनिकेशन स्किल आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई और दूरियां कम हो गई हैं, गति बढ़ गई है, दूरियां डिस्टेंस
शॉर्ट हो गई है और गति बढ़ गई है। जीवन के हर क्षेत्र में ऐसी स्थिति में कास्ट को रीथिंकिंग करना पड़ेगा, कास्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सारे लोग मानने को तैयार थे कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिए हैं वो कोई गलत नहीं है, परिपक्व है और आज भी 100 साल तक भी रेलेवेंट है। हमारे लोग ये कहते थे तो 100 साल तक बहुत दूर, हमें रेलेवेंट होना चाहिए। 1936 में 100 साल होंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तक, हमें उससे पहले बहुत सारे टारगेट अचीव करने की तरफ बढ़ना होगा। तो हमने कास्ट को समझने की कोशिश की, इसका मतलब हम बाबा साहब को समझने में कम पड़े, इसलिए उस कमतरता को दूर किया। पर लेकिन एक और भी याद है कि हमारा मूवमेंट प्रबोधन पर डिपेंड था, तो हम बाबा साहब की एजुकेशन फिलोसफी या फुले साहब अम्बेडकर कांचीराम जी की एजुकेशन फिलोसफी को भी समझने में कम पड़े, उसका संशोधन किया, तो हमें बाबा साहब के चौथे गुरु का भान हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी, महाराष्ट्र में बाबा साहब के चौथे गुरु बोलना कठिन सा था, लेकिन हमने साहस किया और आज महाराष्ट्र में भी प्रोफेसर जॉन डेबे को बाबा साहब का चौथा गुरु दबी आवाज में क्यों ना हो, दबे मन से क्यों ना हो, एक्सेप्ट किया जा रहा है। और वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, ये पीआर अंबेडकर सोच गया है, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के लोग सोच रहे, हम क्यों नहीं सोच पाए। साथियों, हम किसी की आलोचना समालोचना के लिए हम नहीं बैठे। हमने कास्ट को नए तरीके से समझा और वो देखा कि मनुवाद ने इसकी जड़न घड़न कैसे की, और वो बात हमको देखा कि अशोक के साम्राज्य को नष्ट करके इन्होंने जड़न घड़न की, और जड़न घड़न करते समय जो मैकेनिज्म डेवलप किया है उस मैकेनिज्म का नाम है मनुस्मृति। एक दिन में नहीं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाते बनाते इन्होंने मनुस्मृति बनाई और हमारे को बहुत ही बदतर जीवन में जीने के लिए बाध्य किया। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, वो षड्यंत्र के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन आज यहाँ कि मनुस्मृति ने हमारा एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने, साहू महाराजा और महानायक कांशीराम जी ने, इन सारे महापुरुषों की विचारधारा मिलकर, और अगर हम इतिहास के गर्भ में भी देखें, अशोक से इसे जोड़ें, तो हमें एक नई एजुकेशन फिलोसफी का दर्शन होते, और हमने उसको देखा तो वो दर्शन हमें बाबा साहब के चौथे गुरु प्रोफेसर जॉन डेबे के दर्शन में मिला। डेमोक्रेसी ने एजुकेशन, हम अपने लोगों को बार बार रिपीट करते, ये होने के बाद थिंकिंग स्किल का जोड़ लिया, और एक और नया प्रिंसिपल हमें मालूम पड़ा जो 70 साल से हम बाबा साहब को समझते समझते नहीं समझ पाए। बाबा साहब ने बहुत ज्यादा प्रयास किए, लेकिन पता नहीं हमको कहाँ किस प्रकार से सोच मिला, यार अंबेडकर सोच रहा था तो बाबा साहब के लिखान में कहीं कहीं कॉपरेशन वर्ड था, लेकिन कॉपरेशन की बात हमको कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं जलगा विद्यापीठ में भी था, वहाँ हायर पोस्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के ऊपर मेरा भी अपॉइंटमेंट हो गया था, मैं एमए अंबेडकर थॉट भी कर रहा था, इन सारी चीजों में मेरे को बाबा साहब के ग्रंथों में बहुत जगह कॉपरेशन शब्द मिला, लेकिन कॉपरेशन के प्रिंसिपल नहीं मिल रहे। इसको कैसे लिंकेज किया, तो जब मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान मेरे को देखने को मिला तो उसके 10 चैप्टर पूरे के पूरे कॉपरेशन के मिले। अरे, बाबा साहब की हयात में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, उस पर बाबा साहब का प्रभाव था, और बाबा साहब के प्रभाव के वजह से ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना है उसमें कॉपरेशन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। हमें बहुत सारे हमारे जो ग्रंथियां थी, जटिलताएं थी, गांठें थी, वो खुल गई। एजुकेशन फिलोसफी मिली, थिंकिंग स्किल मिली, और कॉपरेशन, एबिलिटी टू कॉपरेट, इस इंस्टिंक्ट को इनकल्केट करने की अपॉर्चुनिटी। और इन सारे के सारे बातों के साथ हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य आया कि हमें करना क्या है। तो बाबा साहब ने भी बोला कि मुझे प्रुद्ध भारत बनाना चाहता, और कांशीराम जी मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत,
इसका तो रिकंस्ट्रक्शन करो। 6000 जातियों में बटा हुआ समाज, अगर सम्राट अशोक का भारत बनाना है तो हमें इस समाज का रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। रिकंस्ट्रक्शन करना होगा तो कैसे, तो जॉन डेवे ने हमको बहुत सरल कर दिया कि अगर हम अपने अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन करने लगे तो सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन करना हमको सरल हो जाएगा। समझाने वाले अगर अपना अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन करने वाले बनते हैं तो ये चीज नीचे तक परकुलेट होगी, हम नए समाज का निर्माण कर सकेंगे। साथियों, इसमें आज जो मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं वो खास मकसद ये है कि इस रिकंस्ट्रक्शन में हमने बाबा साहब को समझने की कोशिश की, और एक इवेंट जो बाबा साहब के समझने में हमारे महाराष्ट्र के लोग भी कम पड़े, उसको नहीं खोज पाए, हमने उसमें दिमाग लगाया। एक तो एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज का मीनिंग निकाला, लर्न टीच थिंकिंग, लर्न टीच पॉसिबिलिटी, लर्न टीच क्रिएटिविटी, लेकिन इससे भी बड़ा मीनिंग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ के सत्याग्रह के बाद 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई, और मनुस्मृति को इस मनुस्मृति को जलाकर 3 दिन का अधिवेशन चलाया। 25, 26, 27 3 दिन अधिवेशन चला, पर इसकी शुरुआत मनुस्मृति को जलाकर। एक महापुरुष एक ग्रंथ लिखकर संदेशा देता, वो हमको पढ़ना लग जाता, उससे कुछ अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई घटने को जन्म देता है उसका अर्थ हम क्या समझते हैं। महापुरुष अपने घटना अपने आचरण से कुछ सिखाना चाहता है, उससे क्या सिखाना। ये 27 की बात थी, लेकिन 36 में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट तौर से बोला कि देयर वॉज ओनली वन पीरियड, इट वॉज पीरियड ऑफ फ्रीडम ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, और दैट पीरियड वॉज द मौर्य एम्पायर अशोक आदि के, जिसमें बहुजन समाज अपने बलबूते पर ऊपर उठा और इस देश का हुक्मरान बना, और उसने वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से एनिलेट, एनिलेशन वर्ड किया है, एनिलेट कर दिया, जड़ मूल से खत्म कर दिया। ब्राह्मण एज ए व्यक्ति प्रॉस्पर जिंदा रह गया था ह्यूमैनिटेरियन के आधार पर, और लेकिन वर्ण नाम की संस्कृति चारों वर्ण को उसने बिल्कुल नष्ट कर दिया था, वर्ण व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रही। लेकिन 52 साल के बाद सम्राट अशोक के 42 तक सम्राट अशोक ने शासन किया, 52 वर्ष तक उसके वारिसदार शासन करते गए, लगभग 9400 के आसपास का ये शासन हुआ। इस लगभग 94 साल के शासन में कोई विदेशी आक्रमण नहीं, ना कोई आंतरिक विद्रोह हुआ। एक पुष्यमित्र शुंग ने अपनी बहन को बृहदरथ को ब्याही, साला बनके सेना का सेनापति बन गया, और छल से राजा का वध करके सत्ता बढ़ा। कोई क्रांति नहीं है, असैसिनेशन है, तख्ता पलट कहते हैं, क्रांति नहीं कहते, तख्ता पलट कहते। और इस तख्ता पलट को जिस तरीके से आज छल कपट के आधार पर मुनवादी सत्ता में बैठ गया और सशक्त होता जा रहा है, इसी प्रकार के सशक्त और नीतियां जिस तरह से आज बहुजन समाज को लाचार, COVID-19 के आधार पर हजारों मील पैदल चलने को बाध्य किया, भूखा प्यासा बीमार कितना मर गया रास्ते में कुछ मालूम नहीं, सरकार से पूछा पार्लियामेंट में भाई इसके आंकड़े बताइए, हमारे पास आंकड़े, इतनी बड़ी इवेंट होती है और सरकार कहती है हमारे पास कोई आंकड़े, कितनी उपेक्षा इस समाज के साथ सरकार के द्वारा, खुला उपेक्षा, अमानवीयता, उपेक्षा तो अलग बात होती है, अमानवीयता, इनह्यूमिनिटी की चरम सीमा होती है वो। विदेश से प्लेन से अपने रिश्तेदारों को, अपने ब्राह्मण NRI को देश के अंदर वापस ले आ जाएं ताकि वो अपने भारत में आ जाएं, उनकी सुरक्षित हो जाएं, उनके द्वारा कोरोना आया जिससे पूरे देश में कोरोना की स्थिति बनी, लाया गया जानबूझ के, और ये बहुत बड़े पैमाने पर
स्थिति पैदा की कि बहुजन समाज लाचार बने, असहाय बने, भिकमंगा बने, भूखा बने और इन सारी परिस्थिति बेरोजगार बने, असहाय बने, लाचार बने और इन सब की जड़ में जो पैदा होता है वो है भय, अटूट भय, अनलिमिटेड फियर, एक्सट्रीम फियर। इस देश के अंदर पूरा बहुजन समाज आज महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रिवाइव कर इसे मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम बनाने का संकल्प लिया। ये मैं रिपीट करके बोलना चाहूंगा कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम डिजायर टू बी नीड्स टू बी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। हम किसी भी संगठन कार्य करने वालों लोगों ग्रुपों से किसी प्रकार के द्वेष व्यामनस्य नहीं करते ना करते। हम जहां मूवमेंट रुका पड़ा है उसे गति देने का काम कर रहे हैं। अगर हम सही चल रहे हैं तो लोगों ने साथ देना चाहिए। अलग अलग बिखरे जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग 50 बाम सेप में आप 7-8 बाम सेप बने हैं उसमें काम कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। साहब को धोखा देकर जो थे वो तो अभी मरने की नौबत में आ गए, एक दो रोग लगे बाकी वो लोग भी चले जाने, बुरी हालत है। सारे के सारे नॉन पॉलिटिकल भी, इसमें साहब ने जो हमें आशा दी थी कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के आधार पर आप बिना रजिस्टर हुए आपको काम करना होगा और आपका काम गैर राजनीतिक जड़े मत दीजिए। पॉलिटिकल विंग के लोग हम पर दबाव डालते थे, हमको अपने अंडर मानकर चलने की कोशिश करते थे। साहब ने उन्हें लताड़ा, सिद्धार्थ पाटिल को लताड़ा, माने को लताड़ा। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम मैंने क्रिएट की, बीएसपी मैंने बनाई है, आप मेरे अंदर। पीबीएसपी मैंने बनाई है, वो मेरे अंदर, वो आपके अंडर नहीं है। जो कुछ कंप्लेंट करना हो मेरे से कीजिए, आप उनको कुछ नहीं बोला। इतना स्पष्ट दायरा साहब ने खोला और हम बड़े लगभग 9 राज्यों में हमने साउथ में कवर किया और 14 जून 2003 को साहब के बीमार पड़ने से 3 महीने पहले साउथ में बेंगलोर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉल है जिसमें उसकी सीटें 999 सीट है, उस दिन 1000 कर्मचारी 100 रुपये देकर उस हॉल में बैठा था और 9 राज्यों के कन्वीनर, पे बैक टू सोसाइटी के कन्वीनर उस मंच पर साहब के साथ बैठे। और जो साहब हमको महाराष्ट्र में आते थे या कहीं भी आते थे हमको पूछते थे, चाहे उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में, कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिन्होंने रिजर्वेशन का या महापुरुषों के कर्मों से लाभ उठाया है, उनके किए गए प्रयासों से लाभ उठाया है, उस समाज को बुरी तरह से लताड़ते थे। हमसे तो बहुत गुस्से में बोलते थे, गाली गलौज के साथ भी बोलते थे। और लेकिन 14 जून 2003 को साहब के चेहरे पर एक विशेष चमक और उनको बोलना पड़ा, प्यारा अम्बेडकर तूने मेरी सोच को बदल दिया। मैंने सोचा था ये पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया तो कौन सी बड़ी बात, पर आज तूने मेरे को ये सिचुएशन दिखा के यहाँ पर डिसिप्लिन कैडर के रूप में यहाँ पर लाके और 9 राज्यों के यहाँ पर लेके आया, मेरा सोच को बदल दिया। आप काम कीजिएगा और दूरदृष्टि के साथ काम कीजिएगा। वो भाषण 3 अगस्त बहुजन संथक में 2 पेज की कवर स्टोरी के साथ प्रकाशित हुआ। जिनके पास बहुजन संथक हो, अगस्त के 2003 अगस्त के फर्स्ट वीक का जो बहुजन संथ है उसमें देखिएगा कि साहब पीबीएसपी के डाइस पर खड़े होकर पीबीएस को संबोधन कर रहे हैं और पीछे हॉल की पूरी सिचुएशन देख। ये मैं इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आप लोग बामसेप के नाम से चले और बामसेप बहुत कंफ्यूज हो गई, अभी उसको कुछ नहीं बोलते, शैडो बामसेप ग्रुप में काम, हमें उनसे किसी प्रकार का गिला सिकवा नहीं है, वो उपयोग बने उपयोगी होते रहे, पर हमें ना तो कोई पॉलिटिकल विंग डिस्टर्ब करे ना ही कोई नॉन पॉलिटिकल विंग डिस्टर्ब करे, क्योंकि हमारा किसी के साथ द्वेष भावना नहीं। हम तो जो चीज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी ने इन पढ़े लिखे लोगों से जो अपेक्षा की थी
हम अपनी नालायकी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम समाज को शासन करती जमात के गुण उसके अंदर रुझा सके, पेर सके, उसके अंदर इनकलकेट कर सके, हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि इससे ही आगे की मूवमेंट की लड़ाई आगे बढ़ेगी। हमने 5 साल का टारगेट डिसाइड किया इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर शिखर पर पहुंचना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल ढांचे से ही, नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस ढांचे से ही आगे बढ़ना, अपने साधनों को जुटाना होगा और समाज को तैयार करना। इसलिए हमने समाज को तैयार करने के लिए सोचना सीखो, सोचना सिखाओ, सोच विचार कौशल प्रवीण समाज बनाओ, एक बहुजन समाज बनाने की जगह हम जो पॉलिटिक्स में वो बहुजन समाज बनाए उनको राजनीति करना है। हम समाज को सोच विचार करने में प्रवीण समाज बनाना चाहिए, विचार कौशल प्रवीण समाज का निर्माण करना चाहिए, ताकि ये समाज मनवादियों के सामने परास्त ना हो और संकट के समय बेहतरीन रास्ता ढूंढने वाला बन। सोच विचार करने वाला व्यक्ति ये समाज ही रास्ता ढूंढने वाला बनता है। इस पर साहब एग्री होकर गए, महानायक कांशीराम जी ने इस पर हमने अपनी सहमति दी। लेकिन ये सारे लिंकेज करने में हमें अशोक ने बहुत साथ, महान अशोक ने हमें बहुत विजन दिया, क्योंकि हमने जिन जिन चीजों को इग्नोर किया गया था, हमने उस पर ध्यान दिया कि बाबा साहब के, फुले साहब अम्बेडकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में हम किन चीजों को अनदेखा कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान के साथ साथ इस देश में लोकतंत्र के साथ साथ हमें सम्राट अशोक के 4 सिंगों वाला चिन्ह राष्ट्र मुद्रा के रूप में दिया, तिरंगा में चक्र फैलाया। इस पर हमने गौर नहीं किया कि बाबा साहब क्या अपेक्षा कर रहे थे। इस चिन्ह के बारे में बाबा साहब हमको, लेकिन इतिहास में देखते तो बाबा साहब बार बार अशोक को रिपीट कर रहे थे। तब पर हमने अशोक को देखा तो अशोक को इंडिया के जितने भी इतिहासकार हैं, रोमिला ठाकुर वगैरह, इन्हें पढ़ने की द्वियम स्तर पर पढ़े, प्रायोरिटी में उन्हें ना पढ़े, क्योंकि इससे हम, हमारी सोच भ्रष्ट होती है, क्योंकि उन्होंने अशोक को भ्रष्ट किया है और अशोक को हमारे सामने सही प्रस्तुत नहीं किया। अशोक के पतन के कारण, सम्राट अशोक और उसके ह्रास के कारण, इस तरह से किताब डाउनफॉल ऑफ द अशोका एंड डाउनफॉल ऑफ द अशोका द मौर्य एम्पायर, इस प्रकार की किताबें लिखी गई। और मनुवादियों ने इसी प्रकार से अशोक की स्थिति को बहुत ही शंकाग्रस्त बना दिया कि अशोक की वजह से भारत परास्त हुआ, गुलाम हुआ और विदेशों का गुलाम होता गया, जबकि ऐसी बात नहीं। फौरन के जितने भी बाबा साहब के समय में और बाबा साहब के समय से पहले ही जो उत्खनन हुआ, उस पर विदेश के लोगों ने जो अशोक के ऊपर लिखा, उन्होंने एक तो बात अशोक के गौरव के बारे में ये बोली है कि इससे बड़ा शासक वर्ल्ड में कोई नहीं हुआ, यानी वर्ल्ड में प्रथम शासक, कल्याणकारी राज की स्थापना करने वाला अनुपम अद्भुत शासक रहा, कोई तुलना नहीं, अतुलनीय। ये तो बात बोला है, पर उससे और ज्यादा महत्वपूर्ण बात 1877-80 के आसपास, 1950 तक जितने भी विदेशी इतिहासकारों ने अशोक के शिलालेखों का अभ्यास करके अशोक के बारे में बोला, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि अशोक आज भी रेलेवेंट है, अशोक आज भी रेलेवेंट है। ये बहुत बड़ी बात, इस पर मेरी नजर गई, रेलेवेंट है तो भाई यहाँ पर, यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी है, अशोक की एजुकेशन पॉलिसी का अभ्यास करना चाहिए। देखा, अशोक की एजुकेशन पॉलिसी आज के टाइम में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। हेल्थ पॉलिसी, अशोक की हेल्थ पॉलिसी देखा, अशोक के बारे में आज सबसे ज्यादा हेल्थ पॉलिसी रेलेवेंट है। मोदी साहब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस बोलते, अशोक ने कर दिखाया, वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। ये उल्टा चला रहा है, अशोक ने सही ढंग से, यहाँ पे मिलिट्री के ऊपर मिलिट्री बढ़ती जा रही है,
कम से कम मिलिट्री के बावजूद अशोक इतना बड़ा कल्याणकारी राज्य चला सके। डेवलपमेंट वर्क इतना तेज हुआ कि जिससे कोई हद नहीं, सांप्रदायिकता कटुता नहीं रह गई थी, सभी संप्रदाय एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे थे, जो अच्छे विचारों का था वो बढ़ रहा था, जो विभेद पैदा कर रहा था उसकी अवनति हो रही थी, विकास नहीं हो रहा था। इस तरह से अशोक ने जो कल्याणकारी राज की स्थापना की, विकास की नीति जो उन्होंने की, उसका आज इंटरप्रिटेशन होना आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम अंबेडकर बात को लाना चाहते तो कैसे लाना चाहते, क्या हो वो गांधी बात के बारे में बोल बल करके बारे में इतिहास करके टीवी बीबी सब जगह से वो प्रचार 24 घंटे उनका प्रचार चलता है। हमारे पास मीडिया नहीं, मीडिया उनके बहुत, सोशल मीडिया है वो भी हमारे पास बहुत कम। हमारे पास मनुवाद से बरबर की ताकतें नहीं, सोर्सेज नहीं है, नेगेटिव है। लेकिन जब हम बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर देखते हैं तो हमें अनुपम अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी नजर आती, हमने बहुत बड़ी पॉसिबिलिटियां देखी। और ये पॉसिबिलिटी हमको किसने दिखाया, दो चीजों, बाबा साहब की फुले साहब अंबेडकर की एजुकेशन फिलोसफी या अंबेडकरवाद का शैक्षणिक दर्शन, और दूसरा अनविक्स की या सोच विचार करने की विद्या। सोच विचार करने की विद्या यानी शासन करती जमात बनने की विद्या, और तीसरा इसको साथ मिल गया कॉपरेशन का, कि हमारे बीच में कॉपरेशन का अभाव हो गया है। अगर इसे हम पूरा कर ले जाएं तो हम दुश्मन से 10 गुनी ताकत बन सकते। मैं बरोबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम दुश्मन से भी 10 गुनी ताकत बन सकते। ताजुब करोगे, आप एजुकेशन फिलोसफी अंबेडकरवाद की क्लीनिंग करना शुरू कीजिए। आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे अधिकारी टॉप थिंकर भी हमारी बात को एक्सेप्ट कर, महाराष्ट्र का थिंकर को मजबूर होकर एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। मैं जिस विद्यापीठ से मैंने एमए टॉपर बना, अनिल डोंगरे सर बिजनेस मैनेजमेंट के 3-4 डिपार्टमेंट उनके हाथ में, उसके डायरेक्टर हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें 7-8 फिलोसफी हैं उसके डायरेक्टर हैं, एक पहले डॉक्टर अंबेडकर थॉट इस विचारधारा इस डिपार्टमेंट के वो HOD भी हैं, और हमने उन्हें महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग में जॉन डेवे का एक फैकल्टी डेवलप की, इंडिया सेंटर फॉर जॉन डेवे स्टडीज उसके वो डायरेक्टर। ये सारे के सारे लोग उनके साथ बड़े पैमाने पर जो पे बैक टू सोसाइटी जिस प्रकार से विचारधारा सब्जेक्ट दे रही है उस पर उनको अटूट विश्वास बढ़ रहा था। मैं उनको बोल रहा था कि भाई 5 साल में हम कामयाब हो सकेंगे, और ये महापुरुष प्रोफेसर अलिन डोंगरे 2 साल कम कहते, अंबेडकर साहब आप 3 साल में कामयाब हो सकते, इस तरीके से आप चले। इतनी बड़ी बात नहीं, छोटा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, और उसे हमने इस देश में इंटेलिजेंस क्लास निर्माण करने की जवाबदारी, विचारधारा देने की जवाबदारी सौंपी है कि आप लोगों को उस लेवल पर दिया। तो 3 चीजें हमें मिली, बाबा साहब की एजुकेशनल फिलोसफी, थिंकिंग स्किल और कॉपरेशन। ये मनुवादी शब्दावली में इसे ब्रह्मास्त्र, मनुवादी शब्दावली में इसे ब्रह्मास्त्र के उससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं हो सकता। और ये मैं बहुत सोच विचार करके उत्तर प्रदेश के साथियों के सामने बोल रहा हूँ, ये ब्रह्म अस्त्र से भी बड़ा अस्त्र है एजुकेशन फिलोसफी, थिंकिंग स्किल एंड एबिलिटी टू कॉपरेट। अगर हम डेवलप कर लेगा इसका कोई साथ नहीं, ये दुधारी तलवार है। आप जो भी इसका विरोध करेगा वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, जो भी इस फिलोसफी का विरोध करेगा, क्योंकि ये फिलोसफी पूरे वर्ल्ड को का कल्याण करने वाली है, क्योंकि बाबा साहब की सोच इंटरनेशनल सोच थी। कांशीराम जी जो प्रयोग कर रहे थे वो प्रयोग तो उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, उत्तर भारत में कर रहे थे, लेकिन सोच विचारधारा अंतरराष्ट्रीय लेवल, हमें भी अंतरराष्ट्रीय लेवल की इस विचारधारा को
सार्थक या मूर्त रूप देना है, तो हमें इन जो नई बातें हम जो पहले बामसेप में भी नहीं थी हम निकाल कर ले आए। हम विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि ये विषय को परख लीजिए, अच्छी तरह से परख लीजिए, बार बार परखिएगा, विरोध या आलोचना करने से पहले परखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम परखने की बात क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि हम अम्बेडकर वाद को एक्शन आइडियोलॉजी मानते हैं, अम्बेडकर वाद एक्शन आइडियोलॉजी है। तो पहले आप इसे एक्शन में जाके परखिए, या थिंकिंग के लिए सीखने सिखाने से आप में परिवर्तन होता कि नहीं होता, समाज की नई जनरेशन में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। एजुकेशन फिलोसफी में ऑफ द एक्सपीरियंस बाय द एक्शन फॉर द एक्सपीरियंस, इस सिद्धांत को लेकर अमल करके देखिएगा। एबिलिटी टू कॉपरेट, इसको सिखाने की कोशिश को कीजिएगा। हमको 10 गुनी ताकत, जब तक हमने सिद्धांतों का ऊहापोह नहीं किया था हम कम भी आत्मविश्वास नहीं करते। लेकिन जैसे ही ऊहापोह करना शुरू हुआ 1915 में 16 में, मैं जहां जहां गया बात की तो लोगों ने अद्भुत करके माना। दिल्ली में बोला, लोग समझ नहीं पा रहे थे, अम्बेडकर साहब आप तो बिल्कुल नई बातें बता रहे हो, ये है क्या, हमको हमें और भी समझाइए। मेरी और ज्यादा मीटिंग लगाई, दो दो तीन तीन मीटिंग दिल्ली में लगाई। नखरों में आया, वहां पे तो मेरा बहुत कम समय का वक्तव्य था, वो भी लोगों को सरप्राइज किया। यहाँ नारसिंह जी बैठे, वो इतने प्रभावित हुए कि दूसरे दिन शाम को अपने घर पर ही 30-35 लोगों को बुलाकर मेरा लेक्चर ऑर्गेनाइज किया। मैं वहाँ पर ज़्यादा समझाने के लिए 2.5-3 घंटे वहाँ पर मैं बोला, 2 घंटे 40 मिनट के लगभग मैं वहाँ पर पूरा समझाने की कोशिश की। तो अद्भुत रह गए, ये तो बात नई बात है। नारसिंह जी ने अम्बेडकर साहब हमको और ज़्यादा सिखाइए, आप आ जाइए। मेरे को एक दो बार आगरा बुलाया, वहाँ पर भी मेरे दो दो तीन तीन दिन के ट्रेनिंग कैंप लिए। लेकिन ये खुद ट्रेनिंग होना चाहिए, अम्बेडकर साहब ये तो आप हम ही को समझाइए, हम समझाने वाले बनना चाहते हैं, हम 10-15-20 लोग आएंगे, आप हमें समझाने वाले बन आ जाइए, नई विचारधारा अपने साथ लेकर भर कर क्या करूँगा ले जाकर, आप समझिए। और जब उनको सभी संदर्भों के साथ इन 5 विषयों को समझाया, कल्चर ऑफ कास्ट और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, कास्ट इज डेंजरस वायरस, और उसके संदर्भ दिए इमिटेशंस की जो फिलोसफी हम नहीं समझ रहे थे, और उनके अंदर सेक्रेडनेस और डिवाइनिटी का इन्वेस्टमेंट मनुवाद द्वारा जो किया गया वो हमको समझ में नहीं आता। जब इनको समझाया तो इनको कास्ट के नष्ट होने की पॉसिबिलिटी ढूंढने की जिज्ञासा पैदा हुई, तो हमने एजुकेशन फिलोसफी समझाई। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन एक्सपीरियंस बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभव को तो बदलना है, अपने अनुभव को तो रिकंस्ट्रक्शन करना है, इसी को तो बार बार पुनर्जन्म बोलते हैं, अपना रिकंस्ट्रक्शन करना, अपना पुनर्जन्म करना। हम जितना रिकंस्ट्रक्शन करते हैं वो रोजाना हमारा पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक की बात नहीं, हमारा रोजाना पुनर्जन्म। बुद्धा अशोक बाबा साहब की किसी फिलोसफी से कंट्राडिक्शन, अनुभव से अपने आप को बदलें, अनुभव से दूसरे को बदलें, दूसरे के अनुभव से भी अपने आप को बदलें, अपने अनुभव से दूसरे को बदलें, रिकंस्ट्रक्शन। और इसमें थिंकिंग स्किल का जोड़ दिया, 2 टेक्निक्स मेथड दिए, तो लोगों में चमत्कार। अरे ये तो हमारे बच्चों के लिए भी लाभदायक है, नई पीढ़ी के लिए लाभदायक है। बच्चों को हम पहले से सिखाना शुरू कर दें तो हमारी नई जनरेशन 2-3 साल के अंदर ही एक नई जनरेशन पैदा हो जाएगी जो स्वयं इस मूवमेंट का अगुवा बनने लगे। और इसमें जब कॉपरेशन जोड़ा तो लोगों का ट्रेनिंग में ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हमारे प्रश्नों के उत्तर खुल गए। और इसके बाद एम क्या है कि हमें रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी और सम्राट अशोक का भारत बनाना, अशोक का भारत, महानायक कांशीराम जी के सपनों का भारत, पुरुष भारत, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, महात्मा फुले साहू महाराज अम्बेडकर का भारत, ये बात जब उनके गले उतरी तब 5-6 स्टेट में ही फैला, 5-6 स्टेट के साथियों ने मतलब ट्रेनिंग ली। और आज हम लास्ट तीसरा ट्रेनिंग हमने 11 मार्च 2020 को लेकर 15 मार्च तक, यानी 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप दिया था। और हम पूरे देश के अंदर इस मूवमेंट को पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में लेके जाने वाले थे कि कोविड आ गया,
इसने हमें रोका। चैलेंज हुआ कि अब हम जानकार तो बने, पर ये जानकार बात वाली बातें हम समझाएं कैसे, हम समझे हैं, अब समझ कर हमें समझाना है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। इसलिए हमने ढूंढा कि भाई ये दुश्मन किस प्रकार से कम्युनिकेशन कर रहा है। उसने देखा कि भाई मोदी साहब जूम पर मीटिंग ले रहे हैं, यानी कि जब मोदी साहब जूम पर मीटिंग ले सकते हैं, क्या हमें पॉसिबिलिटी है? भाई हाँ है पॉसिबिलिटी, हमारे साथियों ने होकर दिया, हमने फिर मीटिंगें नहीं ली, 40 मिनट की ले रहे थे। बाद में हमने जूम परचेज किया, हमने लिमिटेड परचेज किया, हम बड़ी मीटिंग लेने लगे, मीटिंग नहीं लेगा, हमने ट्रेनिंग कैंप भी वहीं से शुरू कर दिया, ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप लेने लगे। समाज में एक नया उत्साह है। हम नहीं जा रहे थे कि हम 5-10 आदमी से लेके 10 गुने बन जाएंगे, 5 के 50 बन जाएंगे। आज 50 के 500 बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा सार्थक हो गई है कि अब हम 50 के 500 बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों को जो 5 जगह हमने पॉइंट पर मीटिंग करने का बोला है, इसका उद्देश्य है कि आपको जल्दी से जल्दी 100 में कन्वर्ट हो, आपको जल्दी से जल्दी, ताकि 5 जगह के 500 में कन्वर्ट हो सकें और हम जूम को बड़ा परचेज करके आपको एक साथ 500 आदमियों को ट्रेनर बनाकर इस पूरे देश के अंदर कोविड का जैसे प्रभाव खत्म होता है, एक 500 ट्रेनिंग कैंप एक ही दिन लगना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, या एक हफ्ते के भीतर भीतर 500 कैंप लग जाना, ट्रेनिंग कैंप लग, एक दिन के लगे जहां 2 दिन के लग सकते थे वहां 2 दिन के लगे, कम से कम उसके 10%, 500 का 10% यानी 50 ट्रेनिंग कैंप 5-5 दिन के होंगे, 50 ट्रेनिंग कैंप 5-5 दिन के होना चाहिए और 500 ट्रेनिंग कैंप एक दिन के होना चाहिए, एक ही दिन होना चाहिए। देखिए इस प्रकार के मैकेनिज्म से हम कितनी तेजी से बोलते हैं। 31 दिसंबर 2021 तक संकल्प लिया कि हम 1000 ट्रेनर बनाए। जिस दिन 1000 ट्रेनर आप लोग बनाने में कामयाब हो जाते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 31 दिसंबर 2022 को आपको 10000 ट्रेनर आपके पास देता हूं, आपको 10000 ट्रेनर देता हूं, और 10000 ट्रेनर के ऑपरेशन से हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को इतना व्यापक बनाएंगे कि केवल हमारे नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट से ही दुश्मन में दहशत पैदा हो, फिर वो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल फिजाएं उसकी बढ़ने लगेंगी, उसका परिणाम तो कुछ अद्भुत नहीं होगा, हम उसका आकलन आज बताने में समर्थ नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी विजुलाइज होना, रिजल्ट तो बदले हम पर, लेकिन जितना बदल रहे उससे हमारा उत्साह और हमारी सार्थकता सिद्ध होती है कि नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी, और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी लीड टू क्रिएटिव, सृजनशीलता को जन्म देती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और हम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं तो ये तो सृजनता को जन्म देने वाली है। और अभी तक जिन जातियों को हम 2-3 जातियों को भी इकट्ठे, इस देश में कहीं भी हम 2 जातियों को नजदीक नहीं करते, पर लेकिन आज आप देखेंगे आने वाले समय में कई जातियां जात की जात मत इन्वॉल्व होंगे, कई जातियां वॉलंटरीली इसमें अपना अलग अस्तित्व करके, अलग संगठन ना करके, इस पे बैक टू सोसाइटी के अंदर अपने आप को विलीन करती हुई दिखेंगी कि ये हमारा आंदोलन, ये चढ़वड़, ये मूवमेंट, पे बैक टू सोसाइटी का प्रोग्राम माली समाज का, कुलवी समाज का मूवमेंट, तेली समाज का मूवमेंट, बंजारा समाज का मूवमेंट, ये समाज आपको अपने आप इस मूवमेंट को अपना मूवमेंट कहने वाले बने। आप जिस दिन ये बात होने लगेगी, इसे कहते हैं सोशल एंडोस्मोसिस, ऐसी में ये एंडोस्मोसिस सामाजिक संभाव, ये अलग अलग जाति की प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है, दूसरी जाति जब उसकी प्रगति और उसको उसकी अज्ञानता को दूर करने में मदद कर रही होगी, तो वो लोग हमारे साथ भाईचारा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हम एक एक दूसरी जातियों के अज्ञानता को दूर कर रहे होंगे, इस अनथिंकिंगनेस से हम लड़ रहे होंगे, और उनको केवल उनकी अज्ञानता दूर नहीं कर रहे होंगे, साथ ही साथ उन्हें हम सोच विचार करने वाला बना रहे होंगे, तो ये लोग हमारे साथ नेचर वे में जुड़ेंगे। अटूट जाति की दीवारें हमें जुड़ने से कोई रोक नहीं पाएंगे, और दुश्मन भी वो तो कहने लगा है कि जात पात कुछ नहीं है, जात पात कुछ नहीं है,
हम भी बोलेंगे भाई हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपके लिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप अपनी संभाल लेंगे, मनुवाद को हमारा नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है, हम अपना नेतृत्व अपने आप कर लेंगे, अपने समाज की बिगड़ी हम खुद कर लेंगे। क्योंकि मनुवाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहा हूँ, मनुवाद ने इस देश के सारे बहुजन समाज का बौद्धिकता का ठेका उसने अपने पास लिया और ले रखा, उसने धर्म ग्रंथों में लिखवा रखा है कि ये ठेका तो मेरा है, ये तो पार्ट मेरा है, ये किसी दूसरे का नहीं होगा, मैं इस समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास हूँ, इसका बौद्धिक संपदा मेरे हाथ में है, मैं जितनी दूंगा उतनी मिल लेंगे, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में। 21वीं शताब्दी में बाबा साहब का जो बोलना था, हमसे अपेक्षा थी कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इस ब्राह्मण जो हमारा बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट अपने पास रखा हुआ है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट हम बहुजन समाज को अपने पास खींच, हमको बहुजन समाज का इंटेलेक्चुअल बनना है, बौद्धिक बनना है, और इस बौद्धिक बनकर इंटेलिजेंस क्लास बनकर हम फिर मनुवाद को चैलेंज करेंगे, आओ तुम जंग में लड़ो, किस तरीके से लड़ना चाहते हो लड़ लीजिए, हम आपको मैदानी जंग डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही आपको परास्त करके इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे, हम इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। आपको ताजुब होगा अम्बेडकर साहब, एक प्रश्न आपके माइंड में, हुक्मरान समाज किसे कहते हैं? मैं जलगांव का एक उदाहरण देता हूं आपको। जलगांव में ब्राह्मण की आबादी बहुत कम है, 1.5%, 1.5% से ज्यादा नहीं, लेकिन उनका ब्राह्मण प्रतिमंडल कलेक्टर से मिलने के लिए अपने डिमांड लेकर जाता है और दो ही आदमी होते हैं उस प्रतिमंडल में, मोर्चा मोर्चा नहीं होता कुछ, दो आदमी जाते हैं और कलेक्टर के पास मिलते, कलेक्टर को अपना आइडेंटिटी कार्ड भेजते हैं, कौन आए, सब ब्राह्मण मंडल आया हुआ है, आपसे अपना डिमांड चार्टर लेकर आया, अरे बाहर क्यों बैठा ला, जल्दी लेकर आओ, और जल्दी लेकर वो ब्राह्मण को जरा सा भी इंतजार नहीं करने देता और तुरंत अंदर बुलाता है, साहब बैठिएगा, और आप खड़ा हो जाते, कलेक्टर खड़ा और दो ब्राह्मण कुर्सी पर बैठे, कलेक्टर वो बैठे हुए पत्र दे रहे हैं, कलेक्टर खड़े होकर पत्र लेता है और लगेज इसके ऊपर तुरंत ही इंस्ट्रक्शन देता है, इस पर तुरंत कार्रवाई की। ये कहते हैं शासन करती जमा, एक MLA भी नहीं है वहां पर, जलगांव में ब्राह्मण का एक MLA भी नहीं है, पर उसकी समाज की औकात ये है कि कलेक्टर खड़े होकर उनका मान पत्र लेता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकता है, दैट इज द पावर ऑफ द गवर्निंग कमिटी, हमें अपने समाज के अंदर वो पैदा करना होगी। आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूं, केवल साथ दीजिएगा, 90% साथ नहीं दे सकते, 100% साथ नहीं दे सकते, 90% दीजिए, 80% दीजिए, फिर 50% तो दीजिए, कम से कम 10% तो साथ दीजिए, 10% बुद्धि, 10% टाइम, 10% टैलेंट, स्किल, हुनर, आप इस नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट को देने की कोशिश कीजिए, आपको किसी से भयभीत होने की गरज नहीं पड़ेगी, आप जितना इसके साथ जुड़ेंगे उतने ही सशक्त होंगे, निर्भीक होंगे, भयमुक्त होंगे, आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ेगा। इसीलिए इस मूवमेंट की कामयाबी के पीछे जो हमने स्लोगन दिया, महान अशोक का राज आएगा सबको भयमुक्त बनाएगा, महान अशोक का राज आएगा सबको भयमुक्त बनाएगा। साथियों, इस बात को ध्यान में रख के हमने पूरी योजना बनाई है, समय समय पर वो स्पष्ट होती रहेगी, संगठन का बड़ा होता रहेगा। यहाँ मैं एक घटना जो मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि बाबा साहब ने 3 दिन का अधिवेशन महाड़ में बुलाया, 14 तालाब का पानी पीने पर उनकी पिटाई हुई, लाठी डंडे पड़े, पत्थर पड़े, खून खच्चा हुआ, कलेक्टर वहां पर और SP दोनों मौजूद थे, कलेक्टर ने देखा कि अन्याय हो रहा है, उसने FIR दर्ज करवा दी, और FIR बाबा साहब ने दर्ज नहीं की थी, कलेक्टर ने FIR दर्ज की, केस चला,
बाबा साहब वकील होकर उस केस को जीत के आए, और जीत की खुशी में कि महाड़ का सत्या पानी नहीं पीने देते थे हमको, आज कोर्ट ने हमको पानी पीने की इजाज़त दी। तो उसी के तालाब के पास उन्होंने एक मुसलमान के खेत में 3 दिन का अधिवेशन बुलाए अपने लोगों को जीत का खुशी मनाने के लिए और आगे की रणभूमि तैयार करने के लिए कि अब हमारी लड़ाई कैसे। 3 दिन का अधिवेशन की लड़ाई की शुरुआत हमारी कैसे होगी, तो उन्होंने बिगुल बजाया, शंखनाद फूंका, रणभेदी दुश्मन को ललकारते हैं, वो ललकारा, और उस ललकार का नाम है मनुस्मृति का दहन। सारे अकेले थे, आज तो मनुस्मृति का दहन कहीं होता है तो लोग फटाक से कोर्ट केस करने लगते हैं, मारा मारी और दूसरे ना जाने कितने होते हैं, और यहाँ तक कि मनु की तो हाई कोर्ट के चौधरी में राजस्थान में उसकी मूर्ति लगवा रहे हैं, ये स्थिति है। तो ये मनुस्मृति के जलाने को कैसे बर्दाश्त करेंगे, संविधान को जलाने की घटना कर सकते हैं, मनुस्मृति को जलाने को कैसे बर्दाश्त करेंगे। पर बाबा साहब ने 3 दिन के अधिवेशन का बिगुल मनुस्मृति को जला कर दिया है, तो क्या इस इवेंट से वो सिखाना चाहिए। बी आर अम्बेडकर इस चीज से सिखाते थे कि जिस वजह से मनुस्मृति का जन्म हुआ है उस कारण को जला। सम्राट अशोक के शासन का खात्मा इस मनुस्मृति ने किया है, इस खात्मा के कारण को जलाना है, यानी सम्राट अशोक को फिर से जीवित करना और जमीन पर उतारना है और यहाँ पर कल्याणकारी राज की स्थापना। दैट वॉज द मैसेज ऑफ द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर लर्न फ्रॉम दिस इवेंट। 3 दिन अधिवेशन चला, 1 दिन की घटना, आप केवल उसको जलाने की घटना तक हम सीमित हो जाते हैं। अधिवेशन 3 दिन चला, 25, 26, 27, और ये शाम के 5:30 बजे 25 तारीख का अधिवेशन, खाना पीना खाने के बाद शाम को 5:30 बजे के आसपास मनुस्मृति जलाई गई थी, एक लेक्चर स्पीच हुई थी 2-3, इसके बाद दूसरे दिन से सही ढंग से अधिवेशन चला 26 और 27 दिसंबर। तो इस इवेंट को हमें बहुत गौर से समझने की जरूरत है, और बाबा साहब हमको रास्ता दे गए और कांशीराम जी भी जाते जाते हमें हिंट दे गए, क्योंकि वो जितना करना चाहते थे हमसे अपेक्षा कर रहे थे। हमने बामसेब के इतने टुकड़े किए, नॉन पॉलिटिकल रूट को बहुत कमजोर कर दिया, और साहब की बनी बनाई प्लानिंग जो उन्होंने 2006 तक का निर्णय किया था, इस देश में 6 करोड़ बुद्धिस्ट बनेंगे, ये कैलकुलेशन हमारे साथ हुई, मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। 14 अक्टूबर 2006 को दिल्ली से साहब बिगुल बजाने वाले थे, और उससे हद तक 2004 में लगभग 55 MP चुनकर पार्लियामेंट में ले जाने वाले, और वो पूरा कैलकुलेशन उन्होंने कर लिया था कि मैं कैसे लेके जाऊंगा, किस तरह से अपोजिशन लीडर बनूंगा, और मैं फिर कल्चरल रिवोल्ट की जो मनुवाद को जमीन में गाड़ने की कोशिश का जो बिगुल बजाना था उनमें बजा। सारे फ्रंट पर हम कमजोर थे, इसलिए हमने एक फ्रंट को रिवाइव और ताकत देने की बात की, बाकी लोगों ने हमसे जितना बन सकता हम उतना करना, हम सारे जवाबदारी धम की जवाबदारी नहीं ले सकते, राजपाट की जवाबदारी नहीं ले सकते, हम केवल नॉन पॉलिटिकल विंग की जवाबदारी ले रहे हैं, ये क्या कम है, हम इस जवाबदारी को निभाना चाह रहे हैं, और आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही बाबा साहब ने हमें लताड़ा, इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इन अधिकारी कर्मचारियों से, प्रोफेसरों से, प्रिंसिपल लोगों से, IAS IPS अधिकारियों से, इंजीनियर डॉक्टर जूरिस्ट एडवोकेट से, इन सबसे अपील करना चाहते हैं, क्लास 4 से क्लास 1 तक अपील करना चाहते हैं कि आइए, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इज एन अपॉर्चुनिटी, ये अवसर है, मौका है, मौका है संभावना, अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉसिबिलिटी, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम आपको अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी दे रहा है, आइएगा और इसमें अपने समाज की बिगड़ी बना लीजिए, इसमें अपने समाज की बिगड़ी बना लीजिए। साथियों, इस बात को ध्यान में रखें, हमने 25 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन मानना निश्चय किया है, और हमने इतिहास हमको सम्राट अशोक के बारे में बताए ना बताए
और बाबा साहब के इस इवेंट को 25 दिसंबर 1927 इवेंट को हमने इस 2020 में ही रिजल्ट में बदलने की कोशिश की है। और 25 दिसंबर 2020 को पूरे देश में हम महान सम्राट महान अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। 23वीं जन्म शताब्दी जन्मदिन में, पर जन्मदिन कॉन्सेप्चुअल है। 25 दिसंबर जहाँ जिस दिन मनुस्मृति जताई उसी दिन कॉन्सेप्चुअल अशोक द ग्रेट पैदा हो, इसलिए हम 25 दिसंबर को ही सम्राट अशोक का जन्मदिन मनाते हैं मानेंगे। लेकिन हमें जन्म शताब्दी मनाना है तो हम 365 दिन मनाएंगे, पर शुरुआत उसके जन्मदिन से करें। शुरुआत हम अशोक के जन्मदिन से करें, कॉन्सेप्चुअल बर्थ ऑफ अशोक द ग्रेट। और इस दिन हम अशोक को इस प्रकार से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हम ना सरकारों की आलोचना करेंगे, ना दुश्मन को गिला सिपा करेंगे, हम तो अपने समाज को समझाने की कोशिश करेंगे कि समाज अशोक ने किस तरीके से कामयाबी हासिल की और किस तरीके से कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। अगर इस देश की शासन व्यवस्था अशोक को राज मुद्रा मान लेकर चलती है तो अशोक की इन पॉलिसियों को जीवन में गवर्नेंस लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, इतनी की अपेक्षा व्यक्त करना चाहिए, डिमांड भी नहीं करना चाहेंगे। हम भीख नहीं मांगना चाहते कि तुम ऐसा कर दो, नहीं, दुश्मन से क्या, जो दुश्मनी करे उससे मांगने की बात क्या। समाज को तैयार करें और समाज खुद तैयार होके चैलेंज करेगा। जब समाज तैयार हो जाएगा तो मांगता नहीं रहेगा, वो तो दुश्मन को भयग्रस्त करेगा और फिर सत्ता पर कब्जा अपने आप ही करेगा, हमें कहने की जरूरत नहीं। पर इसका काम सत्ता पर हमारे अलग अलग विंग अपने तरीके से आगे बढ़ती जाएं, बढ़ें, उसी बात है हमारी शुभकामना। लेकिन हम किसी भी पॉलिटिकल विंग से ना तो जुड़ेंगे ना ही विरोध करेंगे, हमें इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। विनम्रता पूर्वक हम अपने सभी साथियों से, अलग अलग फ्रंट पर करने वालों से विनती करना चाहेंगे कि हमें नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ही काम करने दीजिए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम कर। और इस तरीके से हम अपने समाज में से, बहुजन समाज में से किसी प्रकार की कटुता पैदा ना हो, द्वेष भाव पैदा, और समाज के अंदर कॉपरेशन की भावना पैदा हो जाए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का संदेश समाज तक पहुंच जाए, अशोक को हम जमीन पर उतार रिजल्टेड में बताएंगे उसके कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए वो जो समाज चाहिए वो समाज दिया, क्योंकि समाज अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जिस समाज का निर्माण किया वो कल्याणकारी राज का कारण है। अगर वो समाज तैयार नहीं करता बनाता, समाज तैयार करना मतलब एक एक व्यक्ति का निर्माण करना, एक एक व्यक्ति का मतलब एक एक व्यक्ति के अनुभव जो गंदा अनुभव हो गया था, वर्ण और जाति की संस्कृति से द्वेष जलन ईर्ष्या घृणा आलस्य तमाम प्रकार की बीमारियों का शिकार हो गया, उससे उन बीमारियों से उभारा, उसके अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन किया, नया व्यक्तित्व का निर्माण किया, नए समाज का निर्माण। हमें वो काम अपने लोगों को सोच विचार करने वाली विद्या हमारे हाथ में, कॉपरेशन नाम का तत्व हमारे पास, एजुकेशन नाम की हमारे पास बाबा साहब के चौथे गुरु की फिलॉसफी मिली है, हम इन अस्त्रों से, ये अस्त्र वीपन्स हैं, बिगेस्ट वीपन्स इन 21st सेंचुरी, इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम में एजुकेशन थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन बिगेस्ट वीपन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल थिंकरों की यही राय, इंटरनेशनल थिंकरों की यही राय है कि ये बिगेस्ट वीपन्स है। तोप तलवार बॉम्ब वगैरह भी इनफेक्टिव हो सकते हैं, पर ये अस्त्र इनफेक्टिव नहीं होते हैं। अगर इनको प्लान वे से इंप्लीमेंट किया तो ये सबसे ज्यादा सशक्त रह सकते हैं। मनुवाद को इस देश में जमीन दोस्त करके उसको जमीन के नीचे इतना दफन कर सकते हैं, ये फिर कभी सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हम नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट के द्वारा ही, एक बाबा साहब के कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर और भी मैं बोलना चाहूंगा कि बाबा साहब ने बोला कि पॉलिटिकल, माना है कांचीराम जी ने बोला कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच वी कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर, यस दैट इज राइट। लेकिन क्या एक यही रास्ता है, ऐसा तो नहीं बोला ना कांचीराम जी ने, और बाबा साहब ने भी नहीं बोला,
बाबा साहब ने तो न जाने कितने रास्ते सुझाए, और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में हमको वो रास्ता समझा के गए कि आपको नॉन पॉलिटिकल होकर ही काम करना, इसमें सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी यानी और दूसरी ताकत, फाइनेंशियल ताकत से भी बड़ी ताकत है, पॉलिटिकल पावर से भी बड़ी ताकत है, क्योंकि जो समाज कल्याणकारी राज का समाज सपना देखने वाला समाज होगा, सरकारें इधर से उधर बनती बिगड़ती नजर आएंगी, टिकने के जो सही ढंग से समाज को कल्याणकारी राज स्थापना करेगा वही टिक पाएगा, नहीं तो टिक नहीं। इसलिए आपके सामने मैंने बहुत सारे प्रश्नों को बढ़ किया और एक प्रश्न का भी उत्तर दिया कि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट से भी परिवर्तन शक्य है। जब हम कास्ट का डायग्नोज कर सकते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कौन कर सकता है, तो हम तीन फोर्सेस कर सकते हैं। एक तो इस समय मोदी साहब चाहें तो 24 घंटे में कास्ट को खत्म करने का काम कर सकते हैं, जिस तरह से वो नोटबंदी कर सकते हैं एक मिनट के अंदर, अगर वो चाहें तो कास्ट को खत्म कर सकते हैं अगर विल पावर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर और विल पावर। दूसरा, जिसने इस जाति व्यवस्था को बनाना जनन घड़न की है, उसको चुन चुनकर इस मैकेनिज्म को डेवलप किया है, वो प्रबुद्ध वर्ग जो अपने आप को बाबा साहब से प्रबुद्ध मानने को तैयार नहीं, वो इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने इस देश की जाति व्यवस्था को बनाया और टिकाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो इस देश से जाति व्यवस्था भी विद इन वीक खत्म कर। पर लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों ही ताकतें एक खत्म नहीं कर, इसलिए बाबा साहब ने बोला, महानायक कांशीराम जी ने बोला कि विक्टिम ऑफ द सिस्टम जो है, इसमें जो सफरर और को सफरर अगर इकट्ठे हो जाएं और इनके अंदर हम अपनापन पैदा करें, आपुल की, आप भाईचारा बोल रहे हैं, मैं उसके आगे बोल रहा हूं आपुल की, अपनापन जबल की, भाईचारा ठीक है थोड़े समय के लिए साथ साथ चलने का, जबल की आपुल की मैं तो बहुत कुछ नजदीकियां आ जाती है ना, एफिनिटी आ जाती है, एक जिनसी समाज, एकमय समाज, महात्मा फुले ने एकमय समाज का पूछ किया, बाबा साहब ने एक समाज, बुद्धा ने भी एक समाज की बात की, हम वो एक समाज बना जिसमें विषमता नहीं होगी, वैमनस्यता नहीं होगी, भय नहीं होगा, गुरु रविदास का बेगमपुरा का सपना साकार होगा, कबीर के स्वप्न साकार होंगे, अच्युतानंद महाराज के स्वप्न साकार होंगे, रामास्वामी नायकर का, नारायण गुरु का, महात्मा फुले साहू महाराज के स्वप्न साकार होंगे। हम ऐसा काम करने के लिए इतिहास हमसे अपेक्षा कर रहा है और इसके लिए कुर्बानी चाहिए, सैक्रिफाइस चाहता है। सैक्रिफाइस आपको गले नहीं कटाना है, आपको टाइम, टैलेंट, हुनर, स्किल की सैक्रिफाइस करना, किस लिमिट तक कर सकते हो ये लिमिट आपने जज करना। अम्बेडकर तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुका, ये मूवमेंट में ही जीना है, मूवमेंट की कामयाबी के लिए मरना, और उस हद तक मरना है कि जब तक बीज जमीन में डालते हैं तो वो जब तक सड़ नहीं जाता अंकुर नहीं बनता, हम उस अंकुर बनाने तक और अंकुर से तना बनाने तक, तना से फल बनाने तक प्रयत्न करना चाहते हैं, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करना, प्रयत्नों की पराकाष्ठा, और इसके लिए हमने महापुरुषों से सीखा है कि प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने के लिए जीवन में कुछ संकल्प लेना पड़ता है, जीवन में कुछ संकल्प लेना पड़ता है। कोई भी महापुरुष बिना कठोर संकल्प के महापुरुष नहीं बना, अशोक ने भी 3 संकल्प लिए, बाबा साहब ने 3 संकल्प लिए, और महानायक कांशीराम जी के संकल्पों से तो आप वाकिफ हैं, उन्होंने भी संकल्प किए। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, खासतौर से रिटायर पर्सन, नौकरी वाले रहते थोड़ा सा हिच कर सकेंगे, वो लिमिटेड सैक्रीफाइस करें, और जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें तो 100% सैक्रीफाइस करने के लिए कम फॉरवर्ड आना चाहिए, आगे आना। और जिस दिन हमारे रामकृष्ण दर्द की बात करते, दर्द है, दर्द बोलता है, मैं उसे सैक्रिफाइस में बदलता,
उस दर्द को सेक्रीफाइस में बदलना है। और जितनी डिग्री में आप उस दर्द को सेक्रीफाइस में बदलोगे, परिवर्तन आपको नजर आने, परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, आप खुद ब खुद इसे रिजल्ट में बदल सको। साथियों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से 25 दिसंबर की अपील करने के लिए आया हूँ। और उत्तर प्रदेश के कम 50% डिस्ट्रिक्ट में सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है। मैं 50% डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। आप ज़्यादा मना सको तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ मनाने होंगे। और दोपहर दिन के 5 बजे तक ये जयंती समारोह साजरे हो जाना, कार्यक्रम सफल हो जाना चाहिए एक साथ। और इन कार्यक्रमों में कोई भी छुट भैया कोई भी आके भाषण देगा ऐसा नहीं। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम द्वारा अशोक के बारे में जो समझाया गया होगा या जो समझाया गया है, उस आधार पर ही वो वक्तव्य देगा और एक साथ वक्तव्य पूरे देश में जाएगा, ताकि हम सरकार के जड़ों को हिला सकें कि तुम अशोक को जिंदा नहीं करोगे तो बहुजन समाज इस अशोक को जिंदा के बिना नहीं रहेगा। ये मैसेज केवल जाना था कि अब अशोक को जिंदा होने से कोई रोक नहीं सकता और उसके शासन को जमीन पर उतारने से अब कोई रोक नहीं सकता। इस पॉसिबिलिटी को हमें क्रिएट करना। तो साथियों, इसके लिए आपके बीच में जो ट्रेनिंग हो रहे हैं, 4 सब्जेक्ट आपके बीच में एक्सप्लेन हो जाएंगे जो अशोक के साम्राज्य की आधारशिला है। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में कास्ट, एजुकेशन फिलोसफी, थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन, एक लेक्चर आप लोगों को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी का मिलेगा। इसके बाद 2 लेक्चर आखिर के मैं नेशनल लेवल पर मीटिंग लूंगा, स्टेट लेवल की उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी। 23, 24, 25 की स्टेट लेवल की कोई मीटिंग नहीं होगी, हर लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने अपने महान सम्राट अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी मना रहे। मैं 23 और 24 को 2 दिन जो हमारे ट्रेनर स्पीच में डेवलप हो जाएंगे, इन सब ने जवाबदारी समझकर, आज ही जवाबदारी समझकर, कहां कहां मेरा फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन होगा, अभी से रूपरेखा लगाएं, क्योंकि हमारे पास 15-20 दिन बाकी हैं। इन 15-20 दिनों के अंदर हम कार्यक्रम को करने की कोशिश करेंगे। 15 दिन तो हमारे, आज 10 तारीख का, आज 9 तारीख है, तो हमारे पास 15 दिन पूरे के पूरे बचे हैं। 15 दिन काफ़ी होते हैं मूवमेंट के लिए। आप लोग 40% से 50% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में, यानी 80 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 40 डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ पर 20 लोग बैठे हैं, आपको जल्दी से जल्दी 100 की संख्या में अपने आप को बदलना, जोड़ना है, जोड़ने के लिए शर्त लगाना है कि कौन कितने लोग जोड़ता है, और अच्छे से अच्छे लोग, समझाने वाले लोगों को जोड़ना है कि जो समझ कर समझाने वाले बनते। और 2 दिन का जो मेरा लेक्चर होगा उसको समझ कर उतनी ही बातें आपको 1 घंटे के अंदर बोलना। 2 दिन के लेक्चर को आपको 1 घंटे में सम्राट अशोक के बारे में बताना है कि सम्राट अशोक अगर भारत में लाया है जाएगा तो ना रामराज की जरूरत पड़ेगी, ना कृष्णराज की जरूरत पड़ेगी, ना किसी का खून खराबा, ना पाकिस्तान के खिलाफ चिल्लाने की जरूरत पड़ेगी, ना चीन को ललकारने की जरूरत पड़ेगी। अशोक का राज आने पर इस देश में पड़ोसी देश भी हमारे साथ भाईचारे का स्वभाव अपनाने को बाध्य हो, और इस देश में हम सारे के सारे बहुजन समाज, 81 से 90% समाज एक महान सम्राट, महान अशोक का वारसदार। तेली, नावी, साली, बंजारी, घुमंकट जातियां, भटकते जातियां, और ना जाने कितने प्रकार के प्रोफेशनल जातियां हैं, तमाम जातियां, इन सब का आजोबा है महान अशोक। महान अशोक हम सभी जातियों के लोगों का आजोबा है, इसलिए इस आजोबा की जयंती मनाने के लिए सब ने हाथ बाहर लगाना चाहिए और इकट्ठे होने, हर जाति के अंदर ट्रेनर बने हमारी है। हम कैडर नहीं बना रहे अभी, ये सब नोट कीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। हम अभी कैडर बनाने का सिलसिला नहीं किए, हम ट्रेनर बनाने का काम कर रहे हैं, ट्रेनर के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। और 25 दिसंबर हमारा
बड़ी कार्रवाई होगी, इसमें हम बड़े पैमाने पर पूरे देश में प्रशिक्षण दे रहे होंगे, अशोक को समझा रहे और अशोक की गलत प्रतिपादित कर रहे। इसलिए आप लोगों को मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को गौर करेंगे। अच्छी बात है, 21 लोग थे तो 21 लोग आज भी है, अभी भी नंबर वहीं पर वहीं का वहीं है। आप लोग सीरियसली मेरे को सुन रहे हैं, ये बात भी है। और लगभग 10 दो घंटे हो गए, दो घंटे से हो चुके सर ये। इसलिए मैं यहाँ पे विराम लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि नाहर सिंह जी को हमने स्टेट कन्वीनर डिक्लेयर किया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की कन्वीनरशिप नाहर सिंह के पास है। नेशनल लेवल पर हमारे बहुत सारे साथी हैं उत्तर प्रदेश से जिन्हें हमने ज्वाइंट कन्वीनर बनाया है। इसमें राजा राम आनंद है नेशनल लेवल पर ज्वाइंट कन्वीनर, सुंदर पाल सिंह जी भी हैं नेशनल लेवल पर ज्वाइंट कन्वीनर, और रमेश चंद जी IFS ऑफिसर हैं, ये ज्वाइंट कन्वीनर हैं, और राम सेवक राज झांसी से ये ज्वाइंट कन्वीनर है। चार लोग महाराष्ट्र से ज्वाइंट कन्वीनर है, स्टेट का कन्वीनर बनाया है हमने। और आज मैं चाहूँगा कि अधिकांश जिले में डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी करके उनको काम दे दिया जाए कि आपको कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना है, और हर एक को एक एक दो दो डिस्ट्रिक्ट की जवाबदारी दे, दो या तीन डिस्ट्रिक्ट की जवाबदारी एक एक व्यक्ति को, कि यहाँ पे लोग हैं जितने कम जिले के लोग हैं उन्हें अभी ये जवाबदारी है कि दो दो तीन तीन डिस्ट्रिक्ट की जवाबदारी लेके कम से कम 40 से 50 डिस्ट्रिक्ट का आप टारगेट रखेंगे और वहाँ पर एक साथ सम्राट अशोक महान अशोक की जयंती साजरी की जाए। तो मैं चाहूँगा अगर कुछ लोग वॉलंटरी कार्यक्रम को मैं आना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने नाम प्रपोज करना कर सकेंगे। और मैंने अभी जो वक्तव्य दिया है 5 मिनट आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए देना चाहूँगा कि अगर किसी को इस वक्तव्य पर किसी को कोई शंका या कुशंका हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता है तो मेरे से पूछ सकता है। 5 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने ओपन कर लें। और जो सर मैंने अनम्यूट ऑप्शन कर दिया है, कोई भी साथी अपने को अनम्यूट कर सकता है, कोई भी साथी हमारे अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मैंने अनम्यूट ऑप्शन कर दिया सर। कोई भी प्रश्न करना चाहे कर सकेगा, हम नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कम फॉरवर्ड, एनीबॉडी कम फॉरवर्ड। प्रहलाद सिंह जी कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, हेलो जी सर। सर कुछ पूछना चाहेंगे आप? फॉरवर्ड, हाँ सर, बस एक चीज पूछना चाहते हैं क्योंकि हमें पहले पता नहीं है, ये 25 दिसंबर को हम लोग इसी साल से मनाना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम पहले से भी मनाते आ रहे हैं सर? मैं पहले भी अपने कार्यक्रम तो किया हुआ है अशोक जी, 2005 से मैंने इस चीज को डिक्लेयर किया था और 2005 से मैंने जयंती मनाना शुरू किया। पी आर अम्बेडकर MKSOT महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग की तरफ से हर साल जयंती मनाता आया है जी सर। थैंक यू सर। वे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम बना है तो अब हम ऑर्गेनाइज वे में नेशनल लेवल पर इसे मनाने की पहली कोशिश करने जा रहे हैं जी सर। थैंक यू सर। एनीबॉडी कम फॉरवर्ड, अच्छा प्रश्न था। जी रामकिशन जी, नहीं नहीं पूछ रहे थे, ठीक है, मैं चाहूंगा अगर प्रश्न। हाँ हेलो सर, हम आजमगढ़ से प्रभुनाथ बोल रहा हूँ। ये जो 25 तारीख को मनाया जाएगा वो कै बजे से होगा कार्यक्रम? एक ही दिन होगा ना? एक ही दिन होगा और 3 घंटे का कार्यक्रम होगा, एक 12 बजे से 3 बजे तक दिन में। आप दिन में 12 बजे भी समय नहीं, आगे पीछे कर सकते हो, कोई 12 बजे शुरू करेगा, कोई 1 बजे शुरू कर सकते हो, 5 बजे कर सकते हो, 5 बजे तक, 5 बजे से पहले पहले कार्यक्रम खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना। नहीं तो सर यह बंद कमरे में होगा कि खुलेआम मीटिंग टाइप में? आप खुले में करिए ना इसको, कोई दिक्कत थोड़े नहीं। आप जैसे हम जैसे सर यहाँ मेहता पार्क है जो है पब्लिक मीटिंग यहाँ होती है या सभी पार्टियों के लोग मीटिंग करते हैं तो उसमें हम लोग मीटिंग कर सकते हैं? अलाउड है, आपकी सिचुएशन वहाँ पर अगर कोविड का इम्पेक्ट नहीं है ज्यादा तो आप वहाँ पर मीटिंग कर सकते हो, और कोविड के नियमों का पालन करके अगर परमिशन मिलती है तो आप ओपन भी मीटिंग कर सकते हो। अच्छा, जहाँ जैसी स्थिति है ओपन मीटिंग करें,
हॉल के अंदर करें, सरकार से परमिशन लेकर करें और उनको पूरा वचन दे के हम कोविड के नियम हैं जितने सूचना है उनका पूरा पालन करेंगे। हमारे पोस्टर में मनुस्मृति की कोई चर्चा नहीं होना चाहिए, केवल अशोक की चर्चा होना चाहिए। ठीक है सर जी। अच्छा एक सर और पूछना चाहते हैं कि यहाँ कोविड के संबंध में हो सकता है कि परमिशन न मिले तो बंद कमरे में हाल में आराम से हो सकता है, आराम से 50-100 आदमी जो है बिल्कुल 20-25-50-100 जितने चाहे उतने कर सकते हैं। ठीक है सर, पर लेकिन है ज्यादा से ज्यादा मीटिंग लगना चाहिए। जी ठीक है, ज्यादा कार्यक्रम होना चाहिए। हर जिले में 2 कार्यक्रम होते हैं और भी ज्यादा बढ़िया, एक तहसील लेवल पर कार्यक्रम होते हैं तो और भी ज्यादा अच्छे, पर 40 जिलों में कार्यक्रम होना चाहिए कम से कम 50%। ठीक है सर, हम एनीबॉडी कम फॉरवर्ड कुछ और पूछना चाहेंगे जी। इसकी इसकी सर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी तैयार करके भेजना है। आप वीडियो फोटो आप अगर आपके स्पीच नोटिंग करना चाहते तो आप वीडियो बनाइए, कम से कम फोटोग्राफी तो जरूर भेजिएगा। ओके वीडियोग्राफी कर सकते तो कीजिए और लेकिन उस पर खर्च जाएगा, मैं चाहूंगा केवल फोटोग्राफी जरूर भेजिए। मोबाइल से हो जाता है सर। हाँ एक और, हाँ ठीक है वो मोबाइल से कीजिए। एक और मैं कि आप कार्यक्रम की मैं रूपरेखा का थोड़ा सा बता दूँ आपको, बाद में तो बताई जाएगी। एक कार्यक्रम 3 घंटे का होगा, 3 घंटे में हमारा आधा 15-20 मिनट हमारा टाइम वैसे ही निकल जाता है, इसलिए हमको एक्चुअली 2.5 घंटे ही मिलेंगे। 2.5 घंटे में हम आधा घंटा जो आपके बस्ती के या जिले के गणमान्य व्यक्ति हैं, नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस, ऐसे व्यक्तियों को आप वक्ता करके इनवाइट कर सकते हैं और उन्हें 10-10 मिनट बोलने के लिए दे सकते हैं। आधे से 10-10 मिनट करके 3 वक्ता आपको एडजस्ट कर सकते हैं आधे घंटे में, और हमारा वक्ता कम से कम 1 घंटे की स्पीच, अशोक को पूरा समझाने की कोशिश। कार्यक्रम स्पीच समाप्त होने के बाद हमारा जो संचालन करने वाला होगा वो इमिडिएटली क्वेश्चन आंसर करने का सेशन रखेगा। भाई 10-15 मिनट हम क्वेश्चन का सेशन रख रहे हैं और इन राइटिंग पर्ची में वो क्वेश्चन मांगेगा, इन राइटिंग क्वेश्चन मांगेगा ताकि अशोक के बारे में उनकी जितनी भी प्रकार की शंका है वो शंकाएं समाप्त की जाए। तो आपको केवल जन्म शताब्दी ही नहीं मनाना है, लोगों के प्रश्न भी आएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर भी देना है और उनके दिमाग में अशोक को बैठाना है बस। और इसको जरा और सुनिए राय साहब जी, मैं आपको बहुत बात बताऊं कि ये 15 मिनट का हम क्वेश्चन आंसर क्यों चाहते हैं, क्योंकि इससे लोगों का माइंडसेट मालूम पड़ेगा। ये पूरे देश में सर्वे होगा, हम बिना सर्वे का सर्वे हो रहा है ये। अगर आप अपने कार्यक्रम में 5-10 लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे दिए बहुत बड़ी बात हुई, इसके बाद फिर आवर प्रदर्शन उसमें उत्तर 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं, 15 मिनट के बाद आप टाइम बता दीजिए भाई 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए दे रहे हैं, जिसमें 5-10 क्वेश्चन जो भी मतलब पूछना चाहे, क्योंकि बाद में आफ्टर थॉट लोगों के माइंड में क्वेश्चन आने लगते हैं, उसके पीछे मत जाइए, जो ओरिजिनल क्वेश्चन आए उन पर ही ज्यादा ध्यान दीजिए। आफ्टर थॉट या बाद में सोच विचार करते दूसरे प्रश्न किया तो तीसरा प्रश्न उसके माइंड में पैदा हुआ, ऐसा होता है उसको छोड़ दीजिए। प्रारंभ में जितने भी मतलब 5 मिनट में जितने क्वेश्चन आ जाएं आप नोट कर लीजिए, 10 मिनट में उनका उत्तर दे दीजिए, 15 मिनट आपके पास। ठीक है सर, इस प्रकार से एक बहुत बड़ा सर्वे मूवमेंट का होगा। ऐसी जयंती किसी और जगह नहीं मनाई जाती कि जयंती मना रहे हैं और उसमें क्वेश्चन आंसर भी पूछ रहे। हेलो डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जयंती मनाई जाएगी उसको मीडिया कवरेज करेंगे क्या? नहीं, हम मीडिया को इन्वाइट नहीं करेंगे। नो मीडिया, हमारा खुद का मीडिया, आप मोबाइल से आप वीडियो शूटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए आपका अपना, हम किसी भी पत्रकारों को इनवाइट नहीं करेंगे। अगर वो आ जाते हैं हमारे पोस्टर बैनर देख के, सुनिए जरा, अगर वो आ जाते हैं पोस्टर बैनर देख के तो बैठे, उनको हम अपनी ओर से न्यूज बनाकर नहीं देंगे। आप लोग अपनी वो कहना की जो आपने ऑब्जर्व किया है वो नाम वगैरह है कहना लिखे हुए हैं वो भी पूछ लीजिए, बाकी और हम
कुछ उनको अपनी ओर से लिख के न्यूज नहीं देना, क्योंकि हम उनके माइंड को देखना चाहते हैं, उनका भी सर्वे लेना चाहते हैं कि वो हमारे न्यूज के साथ किस प्रकार का मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। तो मनुवाद का सर्वे करना चाहते हैं और बहुजन समाज का सर्वे, तो मीडिया में सूचना नहीं देना है। नहीं, हमें पॉम्पलेट आएगा आपका। दूसरा प्रश्न ये था कि अगर किसी पार्टी के व्यक्ति जो इसी विचारधारा से रखते हैं, अगर वो मीटिंग में आते हैं तो उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करना पड़ेगी या उनको सुनने के लिए बात करना पड़ेगा? नहीं, वो श्रोतागण रूप में आए पर लेकिन हमारे चीफ गेस्ट नहीं बनेंगे, वो स्पीकर नहीं बनेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं, चीफ गेस्ट नहीं बनेंगे, स्पीकर नहीं बनेंगे, वो हमारे कार्यक्रम में बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं उनको, हम उनके वो आम तरीके से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन उनको पॉलिटिशियन को हम स्टेज पर वक्तव्य देने के लिए नहीं बोलते। उनको स्टेज पर नहीं बैठाना, स्टेज पर नहीं बैठाना, उनको मंच पर नहीं बैठाना, नहीं विचार व्यक्त करने का, ना ही विचार व्यक्त करना, विचार उनसे व्यक्त, किसी भी पॉलिटिशियन को हमारे स्टेज पर बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और हम भी किसी भी पॉलिटिकल मंच पर विचार देने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक, हमारी अपनी भी। दूसरा, आप न्यूज की बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि न्यूज देंगे तो मनुवादी षड्यंत्र लोग आपसे ज्यादा आएंगे। हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोच विचार करके और बताते हैं कि हमें न्यूज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये पॉइंट महत्व का है पर लेकिन चिंतन का विषय है, क्योंकि अभी हम अपने साथियों से हम नेशनल एग्जीक्यूटिव में बातचीत करने के बाद फिर हम इसके बारे में आपको संदेशा देंगे, पर लेकिन ये बात, ये पॉइंट आपका कंसीडर किया। एनीबॉडी क्वेश्चन? अब मैं चाहूंगा कि प्रश्नोत्तर, ठीक है, नारसिंह जी और सर, आपके पास अभी एक ही ज्वाइंट कन्वीनर है नेशनल लेवल के, आसाराम राजा राम जी, अभी दो जी। अभी तीसरे ये भी हैं, राज साहब भी हैं इस समय, हैं राज साहब भी, आप भी ज्वाइंट कन्वीनर के रूप में नेशनल लेवल पर अपॉइंट किया गए हैं, केवल अपने साथ सोहन पाल सिंह जी नहीं है, वो भी उनका मालूम पड़ जाएगा उनको, तो आप इन दोनों हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की जवाबदारी आप बांट सकते हैं, ये हमने नेशनल लेवल पर है इसलिए डिस्ट्रिक्ट स्टेट में आपको दखलंदाजी नहीं देंगे। ठीक है सर, आपको सहयोग कर सकेंगे, दखल नहीं देंगे। इनके पास क्या एस्पेक्ट है? सहयोग करने का, दखल देने का नहीं है। और ये नेशनल लेवल पर मेरे साथ दखल देंगे, नेशनल लेवल पर, वो स्टेट लेवल पर मेरे साथ दखल देंगे ये उनको, और क्योंकि इन्हें पूरे देश को देखना है ना जी सर। सो इसमें आप लोग किस प्रकार से अभी कुछ लोगों को जवाबदारी देना चाहेंगे या बाद में मेरे को कम्युनिकेट करना चाहिए? मैं आपको कन्वे कर दूंगा सर, भूदल सिंह जी और रामकिशन जी को मैं जो है ना सेक्रेटरी के रूप में रखना चाहूंगा, जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में अपने साथ। यस, रामकिशन जी और दूसरे, और उदल सिंह जी। उदल सिंह जी सहमति है? उदल सिंह जी, रामकिशन जी, रामकिशन जी बोलिए, रामकिशन जी तो तैयार है, उदल सिंह जी चले गए, वैसे बात तो नहीं हो पाई थी, बात कर लेंगे उनसे। रामकिशन जी सहमत जी साहब, जैसा आदेश श्रोता। ओके चलिए ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट लोगों को सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसी हफ्ते लिस्ट बना के सर बात करके आपको कल शाम तक दे देंगे सर। हाँ, मेरे को शनिवार तक लिस्ट मिल जाए चलेगा। हाँ, दे देंगे सर, दे देंगे क्योंकि ये हम बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट पर आ गए। नहीं सर, बिल्कुल पूरे जितने मैक्सिमम साथी हमारे जो वर्किंग में इंटरेस्टेड हैं और जिनको मैं जिम्मेदारी दे करके आपको जिलेवार लिस्ट और फोन नंबर समेत लिस्ट दे देंगे सर। आपका 20 तारीख तक आपकी संख्या चौगुनी बनना चाहिए, हो जाएगी मीटिंग की संख्या, क्योंकि आप 80-100 तक नहीं जाते हो तो 40 जगह पर आप कार्यक्रम नहीं कर पाओगे, 40 जगह काम करने के लिए आपको संख्या बल बढ़ना चाहिए और जवाबदारी स्वीकार करने वाले आना चाहिए, और इसके लिए सभी लोगों ने सहकार करना चाहिए, सहयोग करना। और कोई मेरा तो अपनी ओर से वक्तव्य यहीं पर समाप्त होता, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, और आपके आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा ले जाओ इसी की शुभकामना है, और कुछ मेरे